We'll start today with derivatives. Now, first of all, you have to understand certain points regarding capital market. See, capital market way, it is bifurcated into two different markets, stock market or you can say security market. And second is commodity market. Security market means where you can deal in shares, listed bonds and debentures, whatever. ठीक है. Commodity market में you can deal in commodities like metals like gold, silver, different other metals like aluminium, etc., copper. You can also deal in food products like rice, wheat, jawar, bajra, etc. Then oil, petroleum products. So there are varied type of commodities जिसके अंदर हम लोग deal कर सकते हैं. Security market का more prominent exchanges are BSE, NSE. Commodity market का MCX, that is Multi Commodity Exchange, and National Commodity Derivative Exchange. ये सब ये स्टॉक मार्केट एंड ये कमोडिटी मार्केट है. नाउ वेदर इट इज सिक्योरिटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट, देर आर फोर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस विच कैन बी डन. स्पॉट ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट में. फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड मार्केट में. फ्यूचर्स, ऑप्शंस. स्पॉट, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस. फर्स्ट यू वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स. ऑप्शंस इज समथिंग वी विल डू एट द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक, बिकॉज ऑप्शंस इज थोड़ा टेक्निकल है, उसको अभी समझाऊंगा तो तुम्हें ऑप्शन में छोड़ दोगे. तो पहले ये डिफरेंस जरूरी है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट. फर्स्ट, इफ अ ट्रांजेक्शन इज डन ऑन स्पॉट टूडे, उसका सेटलमेंट वो भी टुडे ही होता है. व्हाट आई मीन विद दिस इज, लेट्स से यू बाय वन शेयर ऑफ रिलायंस कंपनी एट 800 रुपीज इन स्पॉट मार्केट. ठीक है, लेट्स से ऑन 3rd August यू बाय दिस. सो यू आर द बायर, लेट्स से आई एम द सेलर. Okay, so you will have to pay me 800 rupees today and I will give one share to you today. Now practically aisa nahi hota hai, practically T plus 1 hota hai. Trading day plus 1 day, matlab actually mein agar 3rd August ho gaya to 4th August ko hota hai. You need to make me payment 4th August, I will give the shares from my demat account on 4th August. Aisa hota hai, lekin spot, the word has derived the meaning because of the term on the spot. So for our convenience purpose we will say spot matlab today only. So T plus 1 ke bare today bolenge hum log. So agar transaction aaj hua hai to settlement bhi aaj hota hai. Ye kis mein hota hai? Spot mein. Lekin forward mein aisa nahi hota hai. Forward mein agar transaction aaj hua na to settlement future date pe hota hai.
या लेटर डेट पे, जो भी, मतलब सपोज ही अगर मैंने स्पॉट में नहीं गया, वन मंथ फॉरवर्ड मार्केट में गया, सो यू आर द बायर, आई एम द सेलर, हमने डील आज क्रैक कर ली, डील किया कि यू विल बाय वन शेयर फ्रॉम मी एट 800, बराबर है, वो रेट बुक हो गया, डिसाइड हो गया, लेकिन सेटलमेंट या बोलते ना एक्सचेंज करेंगे ना, जब मैं तुमको शेयर दूंगा तुम मुझे कैश दोगे, वो कब होगा, एक महीने के बाद, वन मंथ फॉरवर्ड मार्केट, सो वन मंथ के बाद सेटलमेंट होगा, ट्रांजेक्शन आज होगा, सेटलमेंट बाद में होगा। फ्यूचर्स में भी इफ द ट्रांजेक्शन इज डन टूडे द सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ फ्यूचर डेट। हाँ, नाउ इमीडिएटली वन पॉइंट विल कम टू यू कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो देखते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज द मीडियम थ्रू विच द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, दैट मीन्स स्पॉट मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होता है, यू आर द बायर एंड द सेलर, बट वी डोंट नो ईच अदर, स्क्रीन होती है, जैसे बीएससी की स्क्रीन को बोलते हैं बोल्ट, एनएससी की स्क्रीन को बोलते हैं नीट, तो उस स्क्रीन पे कभी अगर टीवी में भी दिखाते हैं वो ग्रीन और रेड लाइट्स होती है, रेड लाइट इज फॉर सेलिंग एंड ग्रीन इज फॉर बाइंग, तो वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, मतलब कहीं पे भी इंडिया में कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उस शेयर का। सो व्हेन आई से यू आर बाइंग, यू डोंट नो मी कि तुम किससे खरीद रहे हो और मैं किसको बेच रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। सो ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ए इज द बायर, बी इज द सेलर, ए ने अगर खरीदा शेयर बी से, तो ए इसका 800 रुपीज जो पेमेंट है ना वो अपने ब्रोकर को करता है, ब्रोकर है ना एक्सचेंज को देता है, स्टॉक एक्सचेंज को, यही पेमेंट स्टॉक एक्सचेंज, ये पेमेंट है ना सेलर के ब्रोकर को करता है, और सेलर का ब्रोकर सेलर को पे करता है, मतलब डायरेक्ट ए और बी नहीं जानते एक दूसरे को, इट इज वाया स्टॉक एक्सचेंज, सो द मीडियम द मॉडरेटर यू कैन से इज स्टॉक एक्सचेंज। इवन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी स्टॉक एक्सचेंज आता है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी, मतलब फॉरवर्ड में इधर से इधर ऐसा बीच में एक्सचेंज नहीं आता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं फॉरवर्ड इज नॉट सो पॉपुलर इन स्टॉक्स, द रीजन इज बीच में एक्सचेंज नहीं आता है, एक्सचेंज आता है ना तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, इन द सेंस दैट अभी समझो, लेट्स से ए ने पेमेंट नहीं किया, ए ने खरीदने का बोल दिया, खरीद लिया था लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर रहा है वो, तो एक्सचेंज विल वो जो सुनने वाला नहीं है, एक्सचेंज ए को नहीं जानता, एक्सचेंज किसको जानता है, ब्रोकर को, एक्सचेंज विल सेड टू द ब्रोकर, अगर ए नहीं पे कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यू विल हैव टू पे। अब तुम उसे रिकवर कर सकते हो ए से या नहीं कर सकते हो, तुम्हारा लुकआउट है, तुम मुझे 800 रुपीज दो, तो ब्रोकर को तो देना ही पड़ेगा एक्सचेंज को कैसे भी, अब वो इसे कलेक्ट करके देता है या एक बार आप टेम्परली अपने जैसे देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है इसको, मतलब कहीं ना कहीं यहां से यहां पे या यहां से यहां पे तो इधर आएगा, इज दैट क्लियर, और वो पेमेंट इधर जाएगा। सिमिलरली बी अगर अपने शेयर नहीं देता है, सो अगेन एक्सचेंज विल नॉट लिसन टू दिस स्टोरी, एक्सचेंज बोलेगा ब्रोकर को कि तुमको पैसा मिल गया, यू विल हैव टू गिव द शेयर, अब अगर बी तुमको नहीं दे रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुमको देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से लेके ये इसको देगा, मतलब इन इन व्हाट आई मीन टू से इज देयर इज 0% चांस, प्रैक्टिकली 0% चांस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर पार्टीज, अगर ये नहीं कर पाएंगे अपना कमिटमेंट तो इनको देना पड़ेगा, इज दिस क्लियर। तो क्या होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि यस दो ट्रांजेक्शन किया है वो एग्जीक्यूट होके ही रहेगा,
कहीं पे डिफॉल्ट नहीं आएगा, लेकिन जहां पे डायरेक्ट पार्टी टू पार्टी की बात आती है ना, तो ये थोड़ा रिस्क होता है। बायर और सेलर को एक दूसरे के ट्रस्ट पे रहना पड़ता है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से अगर तुमने 1 लाख शेयर किसी से खरीदा एट 80 रुपीज, कोई भी कंपनी का, समझो एक्स वाई जेड कंपनी का 1 लाख शेयर खरीदा 80 रुपीज में, डील हो गई और ये हुआ डील 1 मंथ फॉरवर्ड मार्केट में, मतलब इसका सेटलमेंट कब होगा, 1 मंथ बाद। अब 1 महीने बाद उसका प्राइस हो गया, शेयर का प्राइस 90। अब सामने वाले को उनको शेयर देना है और उसको तुमसे कितना कलेक्ट करना है, 80, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा, अभी बोल रहा है 80 में मेरे को 80 मिल रहा है अभी, लेकिन अगर मैं इसको ना बोल दूं और ये 1 लाख शेयर मार्केट में भेज दूं तो 90 रुपीज के हिसाब से मिलेगा, तो बोलता है नहीं नहीं बेचना, जो करना कर लो, तो एक्सचेंज कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक्सचेंज है ही नहीं। यहां पे कौन आता है, कोर्ट, मतलब अगर डिस्प्यूट है तो यू कैन फाइल अ कोर्ट केस। फिर कब डिसीजन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं मालूम, मे बी योर नेक्स्ट जनरेशन विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट इफ यू विन, बराबर है। सो इट इज वेरी, मतलब ट्रबल समय, कोर्ट में जाने का हर बार, मतलब उसके डेट्स पे जाने का, एंड देन कब डिसीजन आएगा वो एंडलेस स्टोरी है। सो जनरली पीपल अवॉइड दिस। ये किसमें ज्यादा पॉपुलर है, मतलब ये पॉपुलर वहां पे है कमोडिटी में, वो भी जैसे फॉर एग्जांपल ये बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, ये सब जो बड़े बड़े रिटेल चेन्स है ना, इन लोग क्या करते हैं, इवन दे स्टॉक वेजिटेबल्स। सो उन लोग क्या, पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके साथ डायरेक्टली डील करते हैं कि तुम्हारे फार्मलैंड पे जितना भी प्रोडक्शन होगा, समझो यू आर एबल टू जनरेट से 100 kgs, 500 kgs, वो मालूम नहीं कितना होगा, मालूम नहीं, हार्वेस्टिंग के पहले हो गया डिस्कस, जितना भी होगा मल्टी, समझो 10 रुपए रेट पर kg पे मैं तुम्हारा वो खरीद लूंगा, सब स्टॉक खरीद लूंगा। तो 2 महीने बाद समझो हार्वेस्टिंग सीजन है, 2 महीने बाद तुम अपना प्रोडक्शन लेके आना, इधर मेजर मतलब वेट का वे करेंगे, जितना भी क्वांटिटी आएगा मल्टीप्लाई बटन लेके जाना, तो डील हो जाती है और सेटलमेंट होगा समझो 2 महीने या जो भी टाइम रखा हो उसके बाद। तो उसमें पॉपुलर है क्योंकि वहां पे बिग बाजार एक्सेट्रा दे आर इन अ कमांडिंग पोजिशन, तो उनको मालूम है एग्जीक्यूशन तो करवाई लेंगे, और फार्मर्स एक्सेट्रा दे आर नॉट सो लिटरेट अबाउट इट, सो दे विल डू इट, तो वहां पे कोई कोर्ट वाला जल्दी से प्रॉब्लम आता भी नहीं है। एंड दे आर इन, मतलब दे बोथ आर इन विन विन सिचुएशन, फार्मर्स को भी एश्योरिटी होती है कि इतना तो प्राइस मिलेगा ही, और इनको भी मालूम है कि भाई जितना प्रोडक्शन है 10 रुपए मतलब सस्ते रेट पे मिल गया, बीच में मिडल मैन नहीं आया। तो सो जनरली ये कमोडिटीज में होता है, बट शेयर्स में बहुत कम होता है, अनलेस यू हैव बोथ द पार्टीज हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर। बट मेन डिफरेंस ये नहीं है, मेन डिफरेंस थर्ड है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी। अब इसमें क्या है, जैसे आज मैंने खरीदा, समझो तुमने खरीदा एक शेयर मुझसे रिलायंस का 800 रुपीज में, सो यू विल हैव टू पे मी व्हाट, 800, एंड आई विल हैव टू गिव यू 1 शेयर। तो एक्सचेंज होगा, कैश और सिक्योरिटी का एक्सचेंज होगा, यस, यहां पर भी होता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। फ्यूचर्स में जनरली एक्सचेंज नहीं होता है, ओनली द डिफरेंस इज सेटल्ड। अब ये क्या है, ओनली द डिफरेंस इज सेटल्ड, मतलब क्या है, सुनो, अब ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर्स का ही सम्स, ये तो पॉपुलर नहीं है, तो यू विल फाइंड सम्स ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर्स एंड लेटर ऑन ऑप्शंस। लेट्स से फ्यूचर मार्केट में, इफ सपोज यू हैव बॉट 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस फ्रॉम मी, ठीक है, एट 800 रुपीज ईच, इसका सेटलमेंट कब होगा, 1 मंथ के बाद। सो आफ्टर 1 मंथ जब एक्सपायर हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन समझो प्राइस हो गया 840 रुपीज। So, बताओ यू हैड, मतलब यू हैव अर्नड प्रॉफिट और यू हैव इंकर्ड लॉस, तुमने 800 में खरीदा है, 800 में खरीदा मुझसे, डील कर ली,
और एक महीने बाद जब एक्सचेंज का टाइम आया तब है ना 840 रुपीज हो गया प्राइस, तो नोशनली प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना, 800 में खरीदा आज 840 हो रहा है, तो 40 रुपए कमाया तुमने। तुम कितने में खरीदोगे? 800 में, और मार्केट में अभी लास्ट डे पे रेट क्या है? तो मुझसे खरीद के बाद में मार्केट में बेच दिया तो भी 40 रुपए कमाने मिल रहा है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है ना, तो तुम मुझे 800 रुपीज दोगे और ना मैं तुमको शेयर दूंगा, सिर्फ 40 रुपीज डिफरेंस हुआ। तुमने कमाया मतलब मैंने नुकसान किया, तो मैं 40 रुपीज पर शेयर इंटू 1000 शेयर 40,000 दे दूंगा, दैट्स इट। तो ये सेटलमेंट ऐसे होता है। एक्सचेंज ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी डज नॉट टेक प्लेस, ओनली द डिफरेंस इज सेटल्ड। अब ऐसे ही समझो 840 के बदले 790 हुआ, तो तुमने 10 रुपए का लॉस किया पर शेयर इंटू 1000 शेयर, तो तुम 10,000 दे दोगे, बस खत्म। इस तरह से सेटलमेंट होता है, द डिफरेंस इज सेटल्ड, इज दैट क्लियर? शेयर डज नॉट गोज अवे। तो बताओ, थिंक एंड टेल मी, फ्यूचर्स का ट्रांजेक्शन करने के लिए शेयर्स होना जरूरी है कि नहीं? नहीं होगा तो भी कर सकते हैं। समझो, मेरे को एक एग्जांपल चाहिए। अगर तुम्हारे पास समझो एसीसी का शेयर नहीं है और एसीसी का शेयर बेचना है, बेच सकते हो फ्यूचर्स में? हाँ बेच सकते हो, क्योंकि शेयर देना ही नहीं है, खाली लास्ट डे पे क्या होता है डिफरेंस सेटल होता है। तो वेदर यू हैव शेयर इन योर डीमैट और डू नॉट हैव, इट इज इमटीरियल, इज इट क्लियर? सो अब देखो, अभी ये फ्यूचर्स का फायदा, मतलब फायदा इन टर्म्स ऑफ नॉट मनी बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर समझो किसी किसी एक फ्रेंड ऑफ योर्स या रिलेटिव या कलीग ने, वो एसीसी में काम कर रहा है सपोज, और उसने तुमको एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी कि एसीसी का है ना रिजल्ट बहुत खराब आने वाला है, समझो, ठीक है? सो यू सेल द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, उसका उसका शेयर प्राइस समझो 50 रुपए नीचे हो जाएगा, जो भी आज प्राइस है उससे 50 रुपए नीचे हो जाएगा एक महीने के अंदर, बेच दो उसको। अब तुम्हारे डिमांड में तो एसीसी है ही नहीं, तो कैन यू सेल ईयर? थिंक एंड टेल मी, कैन यू सेल ईयर? नो। अरे इधर कैसे बेच सकते हैं? इधर बेचेंगे तो आज की आज शेयर देना पड़ेगा, तो इधर बेच सकते हैं? इधर बेच सकते हैं नहीं, क्योंकि इधर भी तो शेयर देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो बाद में, पर दे है तो इन्हें है ही नहीं ना, तो देंगे कहां से? बराबर, यहां पे बेच सकते हैं। हाँ, तो मतलब अगर हम लोग के पास ऐसी न्यूज आती है कि एसीसी का प्राइस गिरने वाला है, बेच दो, लेकिन मेरे डिमांड में शेयर नहीं है, तो मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता हूं। बस अगर मतलब ऐसा ऐसा न्यूज आएगा भी और मुझे यहीं पे कर, मतलब कुछ कर तो सकता नहीं, तो मैं कल देख के खुश हो सकता हूं और कुछ नहीं। हाँ सच्चे में एक मेरे बात गिर गया, तो देखो मेरे दोस्त ने बोला था, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर बेच सकते हैं? यस, विदाउट हैविंग यू कैन सेल, क्योंकि शेयर देना कहां पे? शेयर तो देना ही नहीं है। अगर जो भी समझो उसके बोलने पर तुमने 1000 शेयर बेच दिया ऑफ एसीसी, एट्स 700 रुपीज है, और सच्ची में जैसा उसने बोला था एक महीने बाद प्राइस गिर गया, एक महीने के अंदर गिर गया, ये हो गया 650 तक, तुमने बेचा था, जिसको भी बेचा समझो, मुझे बेचा, तुमने बेचा था, मैंने खरीदा था। अब थिंक फ्रॉम, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूं, मैंने 700 में खरीदा और लास्ट डे में 650 हो गया, तो मुझे 50 रुपीज का लॉस हो गया, मतलब तुमको प्रॉफिट हो गया, तो बस 50 रुपए प्रॉफिट पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स 50,000 डिफरेंस आई विल हैव टू पे, दैट्स इट। ये होता है, बीच में एक्सचेंज आता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रांजेक्शन होता है स्क्रीन पे, हाँ बीच में एक्सचेंज आएगा, यू विल गेट अ बिल फ्रॉम योर ब्रोकर, उसको भी बिल मिलेगा ब्रोकर से। शेयर चाहिए तुमको? नहीं, डिफरेंस ही चाहिए ना, वही मैं बोल रहा हूं तुम लोगों, हाँ अभी समझो हम दोनों गैम्बलिंग शर्त लगाई, मैं बोलता आज बारिश होगी, तुम बोलता नहीं होगी, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा, किसी के पास है हमारे पास दोनों में से किसके पास बारिश है क्या? देखो वापिस तुम लोग वही समझ नहीं रहे हो, क्या होता है, मैं ये चीज है ना,
listen. अरे हाँ कर सकते हो, पैसा है तो करो बिंदास, लॉस होगा तो भरने का ना, वो है तो बस ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू। मतलब क्या मालूम है? अरे सुनो मैं, ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है कि विदाउट हैविंग हाउ कैन आई सेल। अरे पर देना कहां पर है, शेयर देना ही नहीं है यहां पे, खाली क्या होता है डिफरेंस। अभी समझो पेट्रोल का प्राइस, लेट्स से पेट्रोल का प्राइस चेंज होता रहता है, मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस मार्केट में चेंज होता रहता है। तो अगर समझो उनको लगता है कि ना लेट्स से इराक साइड में वॉर होगा, तो वॉर होगा तो क्या होगा, वहां पे पेट्रोल का प्राइस सब जगह इंटरनेशनली बढ़ जाएगा। तो यू दैट इज योर ओपिनियन, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है प्राइस गिरेगा। तो तुम खरीदना चाहोगे और मैं बेचना चाहूंगा, ट्रांजेक्शन हो गया, से 100 डॉलर पर बैरल के ऊपर प्राइस सेटल होगा, हम लोग का ट्रांजेक्शन हो गया 100 डॉलर के रेट पे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक महीने बाद, वन मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, एक महीने बाद 120 डॉलर हो गया, तो जिसने 100 में खरीदा था उसने 20 रुपए कमा लिया, बराबर है, मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटी होगा वो सामने वाला दूसरे को दे देगा, तो यहां पर थोड़ा पेट्रोल देगा उसको, खाली डिफरेंस सेटल होता है, दैट्स इट। कोई शेयर होना जरूरी नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड? बस अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है, सर क्या कर रहे, अगर तुम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये सब करने वाला, विदाउट हैविंग द शेयर्स यू कैन स्टिल सेल इट। अच्छा एक और चीज, इसमें एक और पॉइंट है जहां पे मुझे मालूम है तुम लोगों को प्रॉब्लम आएगा, वो अभी नहीं इसके बाद बताऊंगा। लास्ट है द मिनिमम क्वांटिटी विच यू कैन डील इज, यहां पे एक शेयर भी खरीद सकते हैं, यहां पे भी एक शेयर खरीद सकते हैं, यहां पे एक शेयर नहीं, मिनिमम एक लॉट या एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, एक लॉट बोलो या एक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो लॉट है ना, एनएससीएल और बीएससी डिसाइड करती है कि हर शेयर में कि एक लॉट में कितने शेयर होंगे। तो अगर सपोज एसीसी का एक लॉट में 500 शेयर है सपोज, तो दैट मींस यू कैन नॉट बाय 10 शेयर्स, 20, 40, 80, 700, ऐसा कुछ नहीं, 500 और 500 का ही मल्टीपल, तो एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, तो 500, 1000, 1500 ऐसे ही कर सकते हो। तो यहां पर एक दो शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर नहीं हो सकता, यहां पे मिनिमम एक लॉट होता है, और यहां पे एक शेयर एक का भी डिलीट हो सकता है। नाउ ये जो पॉइंट है ना, ओनली डिफरेंस इज सेटल, ये क्या होता है, नॉर्मली पब्लिक को ऐसा लगता है कि फर्स्ट थिंग है नहीं तो कैसे बेच सकते, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया शेयर होना जरूरी नहीं है, खाली डिफरेंस सेटल करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसमें एक और चीज होती है, वो भी मैं लोग एग्जाम्पल से समझाता हूं कि फ्यूचर्स में क्या पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, देन यू विल राइट, या तो चलो ऐसे करो तुम्हें पहले लिख लो, मैं उसके बाद एग्जाम्पल लेता हूं, इतना पढ़ लिख दो। बस नहीं, बास्केट ट्रेडिंग फ्यूचर नहीं होता है, नहीं बास्केट ट्रेडिंग फ्यूचर्स नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूं, बास्केट ट्रेडिंग किसी में भी कर सकते हैं, बास्केट ट्रेडिंग मतलब सारे कंपनीज का एक साथ खरीदना बेचना, वो कहीं पे भी कर सकते हो, पर ये तो शेयर्स में होता ही, मतलब जल्दी से होता ही नहीं, एक्सचेंज नहीं आता, तो स्क्रीन पे नॉर्मल शेयर जैसा स्पॉट मार्केट है वैसे फ्यूचर मार्केट पे भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ऐसा ओरल कैसे होगा? सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो आज हो गया ना, ट्रांजैक्शन आज होता है,
बिल आज मिल जाएगा? हाँ होता ही है ना, अलग से मार्केट ही फ्यूचर मार्केट का अलग स्क्रीन होता है। हाँ डीमैट में शेयर होना जरूरी नहीं है। हाँ गैम्बलिंग समझता है? गैम्बलिंग नहीं समझता है, बोलना ही नहीं, सबको समझता है। खेलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैम्बलिंग वर्ड का मीनिंग समझता है। हाँ इट इज जस्ट वेरी सिंपल, गैम्बलिंग मतलब हम लोग किसी प्राइस को लेके गैम्बल कर रहे हैं। अगर वो जो तुमने गैम्बल किया वो जीत गए तो यू विल मेक मनी, और मैं हार गया तो आई विल गिव मनी। सेम हुई, मैं ब्रोकर को दूंगा, ब्रोकर एक्सचेंज को देगा, एक्सचेंज उधर ब्रोकर को देगा, ब्रोकर उधर सेलर को देगा। किसका फुल फॉर्म? MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। दूसरा नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। देखो सुनो, ये एग्जाम्पल देखो, बाद में एग्जाम्पल देख लो। लेट्स से फ्यूचर मार्केट, वन मंथ फ्यूचर मार्केट में ए और बी ने ट्रांजैक्शन किया, समझो एसीसी का स्क्रिप्ट है, इसका प्राइस है 800 रुपीज टुडे, ठीक है। उसमें ए ने ना खरीदा, खरीदा मतलब साइन आएगी प्लस, और बी ने बेचा, क्योंकि दो ऑपोजिट्स होते हैं तभी ट्रांजैक्शन होता है, बराबर है। तो इसने खरीदा, इसने बेच दिया, ये कब किया इन्होंने? से टुडे। अब जरूरी शेयर होना जरूरी नहीं है, किसी के पास भी शेयर नहीं है, ठीक है चलेगा। आफ्टर वन मंथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस दिन समझो प्राइस है 820, तो कंपल्सरी स्क्वायर अप करना पड़ता है। कंपल्सरी स्क्वायर अप मतलब क्या? जिसने खरीदा था उसको बेचना पड़ता है, और जिसने बेचा था उसको खरीदना पड़ता है। तो इसने खरीदा था तो इसको बेचना पड़ेगा, इसने बेचा था तो इसको खरीदना पड़ता है। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इसको? 800 में खरीदा, 820 में बेच दिया, प्रॉफिट। 800 में बेचा, 820 में खरीदा, तो 20 रुपए का प्रॉफिट और लॉस हुआ। किसने कमाया? ए ने कमाया। तो बस सीधा बी है ना, ए को
20 रुपया पर शेयर इंटू जितने भी शेयर से उतना दे देगा, खत्म, डिफरेंस सेटल होता है. इज दिस क्लियर? मतलब अब बताओ, इसने एक्चुअली इसने क्या किया, ये सबको समझता है कि इसने खरीदा फिर बेचा, ठीक है, बराबर है, ऐसा होता ही है. ये वाला पार्ट है ना थोड़ा सा है ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है कि इसने बेचा फिर खरीदा, ऐसे कैसे किया विदाउट हैविंग पहले बेच दिया. ये है ना, जल्दी से हम लोग रिसेप्टिव नहीं होते. बट मैंने क्या बताया, शेयर होना जरूरी है क्या? बेचा मतलब लिटरली मत सोचो कि जाके ऐसे दिया कुछ हाथ में, बेचा मतलब खाली डील कर ली और लास्ट में डिफरेंस सेटल होने वाला, तो होना जरूरी नहीं है, ठीक है. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले तो ये समझे इतना बड़ा. हाँ, नाउ सी कितने जन को समझा, फेस से तो लग रहा है बहुत जन को समझा. देखो सपोज एसीसी टुडे द प्राइस इज 700 एंड वी एक्सपेक्ट आफ्टर वन मंथ दिस शेयर विल ट्रेड एट 740 एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट आफ्टर टू मंथ्स दिस शेयर शुड ट्रेड एट 710 एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट आफ्टर थ्री मंथ्स इट शुड ट्रेड एट 800. ये सब फ्यूचर मार्केट में, ये आज का प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है, बाकी सब एक्सपेक्टेशन है. एक महीने बाद क्या होगा, हो तो एक महीने बाद ही मालूम पड़ेगा, तो हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है. तो बताओ, इफ ऑल द एक्सपेक्टेशंस कम ट्रू या प्रेडिक्शन कम ट्रू एंड यू वांट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, तो बताओ एंड एज्यूमिंग एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन पे जाना है तो पहले वाले को स्क्वायर अप ही करना पड़ेगा. दो ट्रांजेक्शन एक साथ नहीं कर सकते, दूसरा करना है तो पहले को स्क्वायर अप करना पड़ेगा. तो बताओ कैसे सबसे ज्यादा कमा सकते हो. आज जब 700 है और हम लोग को लग रहा है आगे 740 होने वाला है, तो आज क्या करोगे तुम लोग? कोई भी अगर समझो आज 700 है, कोई बोल रहा है एक महीने में पक्का 740 हो जाएगा, तो आज खरीदोगे तो प्लस, फिर क्या करोगे? किधर 740 में बेच दिया, फिर क्या करोगे भाई? एट व्हाट प्राइस? 710. फिर सेलेक्ट 800. नहीं, अगर ये रॉन्ग है चलो तो बताओ, दूसरा बताओ. 700 में खरीदा, 740 में बेचा, यहां तक भी राइट है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है. फिर आगे क्या करोगे? ये ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप हो गया, और कुछ करना चाहते हो कर सकते हैं, बस बहुत हो गया, 40 रुपए आ गया बस. सी इधर खरीद के इधर बेचा, ये ट्रांजेक्शन हो गया, और भी ट्रांजेक्शन आगे करना है कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप हो चुका है, अब और कमा सकते हैं हम लोग कैसे भी. क्या करना पड़ेगा? 710 में खरीद के तो यहां पे कितना कमाओगे? 40 और यहां पे 90, तो टोटल 130 रुपीज पर शेयर इंटू जितना भी शेयर होगा. अगर समझो बोला एक लॉट में 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130,000 रुपीज पर लॉट, इतना कमा लेंगे. लेकिन ये आंसर रॉन्ग है. क्यों मालूम है? सी जो मैंने तुम्हें मुझे लगा ही था वो ही है, वो खरीदा फिर बेचा समझता है, क्योंकि बचपन से वही कर रहे हैं हम लोग. इवन ट्रेडिंग अकाउंट भी ऐसे सीखते हो, फाइनल अकाउंट, पहले परचेज लिखते हो फिर सेल लिखते हो, कभी भी पहले सेल लिख के फिर परचेज नहीं लिखते हो, हमेशा वही हम लोग को सिखाया गया है. अब देखो सेम चीज क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा कमा सकते. मैं वापिस यही कर रहा हूं, पहले इधर जब मुझे मालूम है आगे प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं इधर खरीदूंगा और इधर बेच दूंगा, कितना कमा लूंगा? बराबर है, एक महीने के बाद ये इधर हो गया 40. अब मुझे मालूम है यहां पे प्राइस गिरने वाला है, तो प्राइस बढ़ने वाला है तो हम लोग खरीद के बेचते हैं, ये समझते हैं?
मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस बढ़ने वाला होता है, सुनो तुम बीच में आंसर ही मत दो, अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, आज खरीद के बाद में बेचते हैं, वैसे प्राइस गिरने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बेच के इधर खरीद लेंगे। अब बेचेंगे तो कहां से शेयर आएगा, शेयर चाहिए भी नहीं, खाली डिफरेंस ही सेटल होता है। तो 740 बेच के 710 में खरीदा, 30 रुपीस आ गया, ये भी ट्रांजेक्शन स्क्वायर अप हो गया। फिर आगे प्राइस बढ़ने वाला है तो वापस इधर 710 पे खरीद के 800 में बेच देंगे, 90 और कमा लेंगे, सो टोटल आ जाएगा 160 रुपीस पर शेयर, इनटू 1000 शेयर्स अगर एक लॉट में है तो 160,000 पर लॉट। ये समझा क्या नहीं समझा इसने बताओ, समझा? तो नेक्स्ट एग्जांपल आप तुम लोग बताओगे, बताओ चलो आज क्या करोगे, टुडे यू विल बाय एट 650, फिर एट, फिर क्या करोगे एट, फिर इसमें कितना कम है, 40 है ये, अरे वाह ये 30 है, कितना कम है 70, सो हो गया 140 रुपीस पर शेयर। ये आंसर राइट है, जीरो मिलेगा, लेकिन आंसर राइट है 140 इज द करेक्ट आंसर, बट फिर भी जीरो मिलेगा, क्यों? बीच में मत बोलो, सुनो, सेम चीज लॉजिकली क्या है, देखो मैं वो वापस देखा, 650, 680, 720, 650, पहले इधर समझो, मैंने इधर क्या किया, खरीदा, ठीक है वो समझ में आता है, इधर बाद में क्या किया, बेचा, 680 में बेचा, फिर 680 में खरीदा, तो फिर बेचा क्यों, वो कितना स्टूपिड हुआ, पहले 680 में बेचा, अल्लाह गलत हो गया, और भी 680 में खरीद लिया, ये हुआ लॉजिकली, अंडरस्टैंड, बेचा फिर खरीदा तो वो किया क्यों, तो क्या करना चाहिए मालूम है, 650 में खरीदा ठीक है, इधर 680 हो गया, लेकिन इधर हम लोग मॉल में आगे और प्राइस बढ़ने वाला है, तो 680 में बेचेंगे क्या, और होल्ड करेंगे, तो यहां पे बेचेंगे, कितना आ जाएगा 70, फिर प्राइस गिरने वाला है तो पहले बेचेंगे और फिर बाद में खरीदेंगे, 70 और वही 140 रुपीस पर शेयर आया। ये आंसर राइट है, लेकिन फिर भी ये क्यों मार्क, इसका मार्क्स मिलेगा उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रोकरेज नहीं ली है, बताओ इसमें इस कितनी बार ब्रोकरेज देना पड़ेगा, बाकी 3 पे 3 फ्री है क्या, 6 बार देना पड़ेगा, खरीदा बेचा खरीदा बेचा बेचा खरीदा, 6 बार ट्रांजेक्शन किया तो 6 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, समझो हर बार का 1 रुपया ब्रोकरेज, तो 6 रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा, यहां पे 4 ही बार देना पड़ेगा, सो आफ्टर ब्रोकरेज ये 140 माइनस 6 होगा 134 रुपीज, और ये 140 माइनस 4 होगा, तो ये बेटर हुआ कि नहीं, मजा आ रहा है उसको इसलिए खरीदा, कैसे लॉस हुआ बताओ, और 650 में खरीदा लॉस होता है, चलाओ अच्छा आओ बारह मैं सिखाता हूं कि 720 में बेच के 650 में खरीदते तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, क्या होता है, हाँ ये समझ में आया क्या किया। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं सब ने इसको इसके साथ कंपेयर करें, इधर सब किया, इधर बीच में क्यों छोड़ दिया, ये समझा हम लोगों को पक्का, देखो जितने एग्जांपल मैं सिखा दूंगा सिखा दूंगा, सम तुम लोग ही करने वाले हो, मुझे मालूम है अंदर की सच्चाई तुम लोग की पता है, आधे जन को ये समझ में नहीं आया क्यों इधर कुछ नहीं किया। फिर मैं एक मैकेनिकल समझाता हूं, लॉजिकली मैंने कोशिश कर ली लेकिन मैकेनिकली फिर भी समझाता हूं, एक ऐसा मेथड जिससे रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करने का मन है, सेम चीज को
में जो समझता कर दो, जो भी समझता है हर प्राइस पे जो समझता कर दो. मतलब क्या, जैसे तुमने इधर बताया था, इधर खरीदा फिर इधर बेचा, फिर प्राइस बढ़ने वाला है तो खरीद के बेचा, फिर गिरने वाला है तो बेच के खरीदा. जब एक ही प्राइस के साथ ऑपोजिट साइन होगा, इसके साथ ऑपोजिट साइन है, इधर ही बेचा इधर ही खरीदा, वो करने की जरूरत है क्या? मतलब क्या करने का, सब पेंसिल से करने का. और फिर बाद में जब जिसके जिस फिगर के साथ ऑपोजिट साइन है उसको हटा देने का, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि अपने को नहीं आता है. ऐसा आएगा ना आंसर, नॉर्मल राइट आंसर आ गया, हो गया. समझा? पहले जो समझते कर दो, सेम प्राइस के साथ ऑपोजिट साइन नहीं चलेगा तो वो पार्ट को कैंसिल कर दो. अंडरस्टूड दिस? पक्का समझा? एक और एग्जांपल लेता हूं. चलो एक बार, अभी मैं ना एक कोरस में आंसर नहीं चाहिए, रुको, मैं ना एक स्पेसिफिक पर्सन को पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी क्लास आंसर नहीं देगी. ठीक है, स्टार्टिंग विथ यू, एकदम लास्ट में. हाँ, इसमें क्या करोगे? ये आज ही बोल रहे हैं तुमको, सेल. ठीक है, फिर बाय, फिर एक जर्मन लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ऐसे देख रहा है, नॉर्मल लिखा है. नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, रुको 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 रुको, अभी आंसर कौन देगा तुम बोलो, चलो बोलो. हाँ, उसको ही बोला, पहले सेल करेंगे. ठीक है, फिर बाय, फिर क्या करना है बोलो ना, तुम्हारा कौन सा पैसा लग रहा है? हाँ, फिर सेल करेंगे, इसमें सेल करेंगे, और इधर कौन करेगा? अरे ये तो वो वाला इसको स्क्वायर अप किया, ये स्क्वायर अप हो गया, होल्ड किसको करोगे? अरे मैंने उनको बताया, वापिस सुन लो, जो कर रहे कर दो, पहले सब प्राइस पे सब कर दो, जो कर सकते हो जितना समझता है. प्राइस गिरने वाला तो क्या करोगे? सेल करके खरीदोगे बाद में, यही करते हैं. फिर बाद में प्राइस गिरने वाला तो क्या करोगे? सेल करके बाद में वापस खरीदोगे. फिर प्राइस बढ़ने वाला है, बाय करके सेल करोगे. पहले ये समझता है, फिर मैंने बताया एक ही प्राइस पे ऑपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, तो यही पे खरीदा यही पे बेचा, ये करने की जरूरत, तो इसको हटा दो तो हो गया नॉर्मल सम. मतलब 620 में बेचा, 570 में खरीदा, 50 रुपए कमाया. 570 में खरीदा, 670 में बेचा, 100 रुपए कमाया, 150 रुपीज पर शेयर. ये समझा? लास्ट एक केस, उसके बाद सम तुम लोग. चलो पहले जो समझता है करो. 793 पे क्या करोगे? क्योंकि प्राइस गिरने वाला है तो सेल करके इधर खरीद लोगे, ये ट्रांजैक्शन स्क्वायर अप. फिर नया क्या ट्रांजैक्शन करोगे? प्राइस गिरने वाला है, सेल करके खरीदा, फिर प्राइस वापस गिरने वाला है तो क्या करोगे? सेल करके बाय. ऑपोजिट साइन एक ही प्राइस पे, तो यहां पर भी ऑपोजिट है, यहां पर भी ऑपोजिट है. हाँ, तो सीधा बस यही पे बेचा, यहां पे खरीदा, दैट्स इट.
वो जो भी आया उतना प्रॉफिट पर शेयर। ये समझा? पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। वन टू थ्री फोर स्टार्ट करो। मैं तुम लोग को खाली फॉर्मेट बता रहे हो कैसे आएगा। इन्होंने क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, मिस्टर ए वॉन्ट्स टू टेक अ पोजिशन इन स्टॉक मार्केट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ टिस्को इज 100, ही एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग प्राइजेस, आफ्टर वन मंथ 140, आफ्टर टू मंथ 120, आफ्टर थ्री मंथ 160। तो मतलब बताओ आज का प्राइस कितना है? 100। आफ्टर वन मंथ ही एक्सपेक्ट 140, 120, 160। एक मिनट, वो जो भी प्लस माइनस करना है वो तुम लोग करोगे। इधर आएगा प्रॉफिट पर शेयर, बराबर है? अच्छा फिर क्या बोले, हाउ कैन ही मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एज्यूमिंग इस प्रेडिक्शन कम्स ट्रू, एंड व्हाट विल बी इस मैक्सिमम प्रॉफिट इफ वन कॉन्ट्रैक्ट साइज इज ऑफ, मतलब एक लॉट में 200 शेयर है। इधर जो भी प्रॉफिट आएगा पर शेयर आएगा, इंटू 200 शेयर्स, दिस विल बी द प्रॉफिट पर लॉट। ये समझो, इस टाइप का फॉर्मूला प्लस माइनस तुम लोग करोगे। फिर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। यू कंप्लीटेड? पहले फर्स्ट का आंसर, एटलीस्ट फर्स्ट हो गया होगा ना। सो प्राइस बढ़ने वाला है तो परचेस करके बेचेंगे, प्राइस कम होने वाला है तो सेल करके खरीदेंगे। प्राइस बढ़ने वाला है परचेस करके सेल, एक ही प्राइस पे ऑपोजिट साइन है क्या? तो ऑल आर करेक्ट। सो इधर 40 कमाया, इधर 20 कमाया, इधर 40 कमाया, मतलब कितना हो गया 20,000 पर लॉट। ये आया फर्स्ट का आंसर ना। सेकेंड, सेकेंड में प्राइस 86, 78, 74, 76, ये चार है। सेकेंड हुआ है सबका। तो अभी देखो प्राइस गिरने वाला है तो क्या करोगे? सेल करके खरीदोगे। प्राइस वापस गिरने वाला है तो क्या करोगे? सेल करके खरीदोगे। प्राइस इंक्रीज होने वाला तो खरीद के बेचोगे। ये समझा?
बट कहीं पे ऑपोजिट साइन है एक ही से, तो इसको हटा देने का मतलब सीधा 86 में बेच के 74 में खरीदा, 12 रुपीज कमाया। 74 में खरीद के 76 में बेचा, 2 रुपीज कमाया, तो 14 रुपीज पर शेयर इंटू हाउ मेनी शेयर्स पर लॉट। हैव यू गॉट दिस आंसर? थर्ड हुआ है, थर्ड में पहले 2100 से 2200 हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, सो व्हाट विल डू, बाय एंड देन सेल, प्राइस और बढ़ने वाला है, बाय एंड सेल, प्राइस कम होने वाला है, पहले सेल एंड देन बाय। अब एक ही प्राइस के साथ ऑपोजिट ट्रांजैक्शन चलेगा क्या साइन? तो इसके साथ ऑपोजिट साइन है, ये नहीं चलेगा, हटा दो। तो 2100 में खरीद के 2300 में बेचा, 2300 में बेच के 1900 में खरीदा, 600 रुपीज पर शेयर इंटू 40। हैव यू गॉट दिस आंसर? और लास्ट लास्ट में 2000 1600। ये हो गया सबका, प्राइस कम होने वाला है, व्हाट विल डू, सेल एंड देन बाय, बराबर है? अरे समझा, प्राइस बढ़ने वाला है, बाय एंड देन सेल, प्राइस कम होने वाला है, सेल एंड देन बाय, कहीं पे भी ऑपोजिट साइन है तो सब राइट है। 400 अर्न किया, 200, 400। Have you got these answers? ठीक है। Now, अब देखो how the profit or loss will be calculated when there is a concept of brokerage. अब तक brokerage नहीं लिया, अब brokerage भी आएगा। अच्छा suppose मैं एक example लेता हूं, एक सिंपल से example के 100 रुपीज में मैंने खरीदा, ठीक है, और 140 में बेचा, ठीक है, brokerage से 2 रुपीज पर शेयर है, 2 रुपीज पर शेयर, बताओ खरीदते वक्त ब्रोकरेज देना पड़ता है और बेचते वक्त, बेचते वक्त भी देना पड़ता है, तो बताओ खरीदते वक्त क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, और बेचते वक्त क्या, प्लस, कुछ बोल देने का जो समझता है, क्या करने का होता है, लॉजिकली सोचो, 100 रुपए में शेयर खरीदा और 2 रुपया ब्रोकरेज भी देना है ब्रोकर को, तो कितना देना पड़ेगा, 102, बराबर है, 140 में बेचा, 2 रुपए ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो वो ब्रोकर तुमको 140 क्यों देगा, 130, तो 140 में से 2 रुपीज माइनस होगा तो कितना आएगा, ये ब्रैकेट में 138, ये समझा, देखते हैं अभी। अच्छा सेकेंड कंसेप्ट इसमें एक और चीज बताना है, दैट इज मार्जिन मनी। फ्यूचर्स वाला ट्रांजेक्शन होता है ना, फ्यूचर्स के ट्रांजेक्शन में सेटलमेंट कब होता है, लेटर डेट में, मतलब जो भी पेमेंट करना है या लेना है लास्ट में होता है। अब ऐसे समझो, लेट्स से टुडे द प्राइस इज 400 रुपीज ऑफ अ कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है, अगर मैं से 3 मंथ फ्यूचर मार्केट में ट्रांजेक्शन करता हूं, 3 मंथ फ्यूचर मार्केट में सेटलमेंट होगा 3 महीने
बात। सो अगर 3 महीने फ्यूचर मार्केट में मैं अगर किसी को बोलूं ऐसा करो 1 करोड़ शेयर खरीद लो, ब्रोकर को बोलता है 1 करोड़ शेयर खरीद लो, पैसा थोड़ा देना है, आज कुछ देना नहीं है ना, खरीद लो एक बार क्या तो खरीद लो, ठीक है। और 3 महीने के बाद जब सेटलमेंट का टाइम आएगा, समझो उसमें 500 रुपये और है, 1 करोड़ शेयर खरीदा बराबर, परचेस किया और लास्ट डे पे 500 हो रहा है, तो बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 400 में खरीदा 500 हो रहा है, 100 रुपये पर शेयर इंटू 1 करोड़, 100 करोड़ रुपया आ रहा है बराबर है। तो मैं फटाफट ब्रोकर के पास आऊंगा, लेकिन यही तो फिर सीधा दूसरी टिकट निकालूंगा मैं बराबर है, और फिर भाग जाऊंगा समझो। तो ऐसे तो ब्रोकर बेचारा फंस जाएगा, क्योंकि ब्रोकर को तो एक्सचेंज को देना ही पड़ेगा। सो डू यू थिंक इतना इजी है? ऐसा होगा तो कोई भी बोलेगा खरीद ले क्या, एक बार कोई ब्रोकर बोलेगा फोन करके इसका प्राइस अच्छा लग रहा है बढ़ेगा, अच्छा तो ऐसा लग रहा है खरीद ले, कपड़ा क्या जा रहा है खरीद, बस प्रॉफिट होगा तो मैं लेने आ जाऊंगा, लॉस होगा तो नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्या होता है फ्यूचर्स के में भी अगर खरीदना है तो देर इज अ कंसेप्ट या अमाउंट कॉल्ड मार्जिन मनी। ना मार्जिन मनी क्या होता है? इट इज अ डिपॉजिट विच यू हैव टू गिव टू द ब्रोकर। ये मार्जिन मनी है ना एक्सचेंज डिसाइड करती है, स्टॉक एक्सचेंज, हर एक स्क्रिप्ट का अलग होता है। तो सपोज इस स्क्रिप्ट का 20% मार्जिन मनी है, मतलब पहले अपफ्रंट 20% देना पड़ेगा ब्रोकर को। तो अगर मैं बोलता ब्रोकर को 1 करोड़ शेयर खरीद ले, 400 रुपए वाले 400 करोड़ हो गया, तो ब्रोकर बोला यस आई कैन डू इट, उसका 20% 80 करोड़ होता, पहले 80 करोड़ दे दो, तो मैं बोलूंगा फिर कल आता हूं मैं करेक्ट। सो दैट मीन्स इफ आई डोंट हैव द 20% आई कैन नॉट डू अ ट्रांजेक्शन ऑफ 100%। अच्छा इसमें ब्रोकर को सेफ्टी, फुल सेफ्टी है। क्यों? देखो कैसा होता है, मैं अगर समझो मैंने 1 करोड़ शेयर खरीद भी लिया, चलो खरीद लिया 1 करोड़ शेयर एट 400 रुपीज, और ब्रोकर ने कितना मांगा था 20%, 80 करोड़ रुपीज, मैंने 80 करोड़ दे दिया। तो अब क्या होता है, मेरा ट्रांजेक्शन क्या है पहले ये समझो, और डिपॉजिट मतलब मार्जिन मनी कितना है उसके पास। मैंने 400 रुपए की प्राइस पे क्या करा, खरीदा, और 1 करोड़ शेयर इंटू 400 करोड़ का 20%, 80 करोड़ डिपॉजिट दे दिया। अब आई कैनॉट रन अवे विथ लॉसेस, बिकॉज क्या होता है, मैं एवरी डे प्राइस जो भी चेंज होता है ना, ब्रोकर इधर चेंज करता है, मतलब समझो आज 400 रुपए में खरीदा, कल इसका प्राइस है 390 हो गया, बताओ नोशनल प्रॉफिट हुआ कि नोशनल लॉस हुआ? मैं 400 में खरीदा और खरीदा और नेक्स्ट डे 390 होगा तो थोड़ा सा दुख होगा। हाँ, तो जो दुख होता है ना वो नोशनल लॉस होता है, 10 रुपया का दुख हुआ बराबर है, 10 रुपीज इंटू 1 करोड़ शेयर, 10 करोड़ शेयर, 10 करोड़ रुपया हो गया सॉरी, तो ब्रोकर 10 करोड़ इसमें से माइनस कर देगा, ही विल से अभी तुम्हारा 70 करोड़ बेबस पड़ा है, सी तुमने 10 रुपया नुकसान किया ना, ये नोशनल क्यों है, क्योंकि तुमने अभी तक बेचा नहीं है, बेचोगे तब एक्चुअल लॉस होगा, लेकिन ब्रोकर उसको एक्चुअल बना देता है, अभी वो इधर माइनस कर देता है, समझो इसके बाद नेक्स्ट दिन 370 हो गया और दुख होगा, 20 रुपए पर शेयर इंटू 1 करोड़, 20 करोड़ और माइनस कर देगा ना इनसे कि 50 करोड़ बचा है। अच्छा ऐसे बढ़ेगा भी, समझो 380 होगा, थोड़ी जान में जान आएगी, 10 रुपीज बढ़ा इंटू 1 करोड़, 10 करोड़ फायदा, तो ये प्लस भी करेगा, मतलब इधर जो भी प्लस माइनस चेंज होता है ना उसके हिसाब से इधर चेंज करेगा। अच्छा स्टार्टिंग में वो एक अमाउंट भी ऐसा बता देगा, मिनिमम मार्जिन मनी कि उतना तो तुम्हारे अकाउंट में होना ही चाहिए, मतलब समझो उसने बताया 10 करोड़ तो होना ही चाहिए मिनिमम, नहीं होगा तो मैं उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अब समझो ट्रांजेक्शन ऐसा होता है, लेट से इधर 330 हो गया, 50 रुपए नुकसान इंटू 1 CR, 50 करोड़ का नुकसान हो गया, 10 करोड़ बचा, अब वो मिनिमम मार्जिन मिनिमम पे आ गया, अब ब्रोकर को भी डर लग रहा है कि और ज्यादा गिरेगा तो ये शायद नेगेटिव हो जाएगा, फिर दिखेगा ही नहीं है। सो ब्रोकर विल देन इमीडिएटली कॉल द क्लाइंट कि अभी तुम्हारा मार्जिन बहुत कम बचा है,
और मार्जिन मनी दो तो मैं कंटिन्यू रखता हूं, नहीं तो बेच दूंगा। मतलब इमीडिएटली और दो नहीं तो बेच लो, दे दो कि बेचू, क्योंकि उसको उसको मालूम है इससे ज्यादा वेट किया ना और लॉस होगा तो भाग जाएगा। तो अगर वो सपोज नहीं दे पा रहा टाइम पे, ठीक है, तो वो इमीडिएटली इधर भेज देगा। मैं समझ, सामने क्लाइंट अरेंज नहीं कर पा रहा है तो वो इधर भेज देगा। तो अभी क्या हुआ देखो, कितने का लॉस हुआ एक्चुअल, 70 रुपीज पर शेयर इंटू 1 करोड़, 70 करोड़ का लॉस हुआ। 80 करोड़ दिया था, 70 करोड़ गया, मतलब कितना बचा? तो ब्रोकर तुमको तुम्हारा 10 करोड़ का चेक देगा और बोले वापिस आना, थैंक यू, हो गया ना। अच्छा वो तुम लोगों को क्या दुख, तुम्हारा थोड़ा जा रहा है एक्चुअल फेस से लग रहा है, दुख लग रही यार, थोड़ा कम क्वांटिटी कर लेता बस, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये समझा मैं क्या बता रहा हूं? सो फ्यूचर्स में स्टार्टिंग में ना डिपॉजिट देना पड़ता है। अब डिपॉजिट एक्सेस टू पर्पस, फर्स्ट डिपॉजिट दिया तो यू कैन नॉट रन अवे विथ लॉसेस क्योंकि ब्रोकर डेली उसको ट्रैक करता है। सेकेंड, यू कैन नॉट डू एन ट्रांजेक्शन ऑफ अनरीजनेबल अमाउंट। अभी तुम्हारे बैंक में समझो 1 लाख रुपए है और 100 करोड़ की बात कर रही हो, तो ब्रोकर बोलेगा 100 करोड़ खरीदने खरीदो ना, उसका 20% 20 करोड़ होता है, तो 20 करोड़ लाओ। 20 करोड़ नहीं है तो जब होगा तब आओ, या जितना है उसके हिसाब से करो। मतलब फिर अगर मैं 1 लाख है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का ही कर सकता हूं, क्योंकि 5 लाख के सामने 20% मार्जिन मनी 1 लाख मांगेगा उतना चेक दे दूंगा। तो यू कैन नॉट डू अनरीजनेबल अमाउंट ट्रांजेक्शन एंड यू विल नॉट रन अवे विथ लॉसेस, ये मेन पार्ट है इसका। यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? सो डेली जैसे प्राइस ऊपर नीचे होता है वैसे इधर करता है, ठीक है। सो सी इसको चीज तो लिख दो, मार्जिन मनी पहले तो हेडिंग दो, प्रॉफिट और लॉस, विथ मार्जिन मनी, ये सेकेंड टाइप ऑफ सम है। प्रॉफिट और लॉस विथ मार्जिन मनी, तो अब इसमें देखो मैंने अब तक टोटल ब्रोकरेज का एक कंसेप्ट सुना है, एक ये समझाया कौन सा, मार्जिन मनी। अच्छा थर्ड एक और कंसेप्ट सुनो, मैं पहले ये लिख दो मार्जिन मनी। मार्जिन मनी इज अ डिपॉजिट गिवन टू द ब्रोकर बाय द क्लाइंट given to the broker by the client at the time of entering the contract. At the time of entering the future contract. खाली futures में होता है, spot में होगा क्या? spot में share खरीदते हो margin money देना पड़ता है क्या? क्यों नहीं देना पड़ता है? पूरा ही पेमेंट कर रहे थे, फिर डिपॉजिट क्यों? इज दैट क्लियर? तो खाली ये फ्यूचर्स में होता है। ओके नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन में दिए स्पॉट प्राइस ऑफ टेस्को इज 300 एंड 1 मंथ फ्यूचर प्राइस टुडे इज 302। 1 मंथ फ्यूचर प्राइस टुडे मतलब ये प्राइस आज से 1 महीने आज का ही है, टुडे लिखा देखो। 1 मंथ फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस आज का है लेकिन 1 मंथ फ्यूचर है, मतलब सेटलमेंट 1 महीने बाद होगा बट प्राइस आज का है। तो आज ही के दिन स्पॉट मार्केट में प्राइस 300 है और आज ही के दिन सेम टाइम पे फ्यूचर मार्केट में 302 है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है वो भी समझा, आज ही आज के लेक्चर में बता दूंगा मैं। पहले सेकेंड ये थर्ड वेराइटी में आएगा वो, पर एक बार ऐसा डिफरेंस होता है बस समझ लो कि स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में सेम शेयर का प्राइस सेम नहीं होता है, थोड़ा फर्क होता है। वो क्यों होता है वो यू विल कम टू नो। अच्छा नाउ दे हैव टोल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 500 शेयर्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक लॉट में 500 शेयर है,
today we have bought one contract at 0.5% brokerage and 20% margin money. After 12 days we squared up the transaction. Square up कर दिया, मतलब मैंने बताया था square up कैसे होता है, अगर पहले खरीदा तो बाद में और पहले बेचा तो बाद में खरीदना. We squared up the transaction at 294. Calculate the loss amount and loss percentage. अब देखो ये टिस्को कंपनी का शेयर खरीदा, बराबर है. हमने कहां पे कहीं किया ये ट्रांजेक्शन, मतलब स्पॉट में खरीदा कि फ्यूचर मार्केट में, कहां पर बोला फ्यूचर में खरीदा. अगर मार्जिन मनी बोल रहे हैं, मार्जिन मनी बोला है ना, मतलब ये ट्रांजेक्शन कहां पे किया होगा, फ्यूचर मार्केट में. ये समझा, तो आज के दिन प्राइस क्या है फ्यूचर मार्केट में, 302 है. लेकिन 302 तो खाली जिस प्राइस पे हमने ट्रांजेक्शन किया, लेकिन ब्रोकरेज भी तो देना पड़ेगा ना. एक बात मिलकर पहले देख लो तुम लोग, 302 पे खरीदा कितना परसेंट ब्रोकरेज देना पड़ेगा, हाफ परसेंट ब्रोकरेज. तो हम लोग को अल्टीमेटली कितने का पड़ा, क्या करना पड़ेगा, 302 में खरीदा और आधा परसेंट ब्रोकरेज भी दिया, मतलब क्या करना पड़ेगा, प्लस के माइनस, प्लस 0.5% ब्रोकरेज कितना होता है, 303 इतने में खरीदा. ये समझा, प्लस मतलब बाय. फिर उन्होंने कहा आफ्टर 12 डेज वी स्क्वेर्ड अप मतलब क्या, बेच दिया. कितने में बेचा, अब बताओ इधर भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, हाँ हर बार ब्रोकरेज देना पड़ता है, कितना परसेंट, हाफ परसेंट. क्या करेंगे, प्लस के माइनस, 290 by 3. ये समझा, तो बताओ 303.51 में खरीदा, उनको बाद में लिखो, 292.53 में बेचा, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 10.98 रुपीस पर शेयर, पर शेयर का लॉस हुआ. तो एक ही शेयर खरीदा था क्या, एक लॉट बोला ना, टुडे वी हैव बॉट वन कॉन्ट्रैक्ट वन लॉट, और एक लॉट में कितने शेयर है, 5490 का लॉस, इतने का लॉस हो गया. ठीक है, लॉस का अमाउंट पूछा था वो आ गया, और क्या पूछा है, लॉस परसेंटेज. अब देखो लॉस का परसेंटेज 5490 इज द लॉस ऑन, बताओ अब इसमें सोचो, एक्चुअली में हम लोगों ने एक शेयर एक लॉट खरीदा, मतलब 500 शेयर खरीदा, सिंपल समझो 500 शेयर खरीदा एट 303.51, मतलब कितने रुपीस का खरीदा, क्या करना पड़ेगा, 500 इंटू 303.51 1 lakh जो भी आता है 51,755 रुपीस, ऐसे अनुसार है, इतने का खरीदा बट इतना पे किया क्या. अगर मैं हम लोग पूछता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो नीचे इन्वेस्टमेंट आएगा, डिड यू इन्वेस्ट दिस अमाउंट, मतलब यू पेड द फुल अमाउंट और ओनली द मार्जिन मनी, मार्जिन मनी. तो मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं है, मार्जिन मनी ही है, दैट इज हाउ मच परसेंट, 20%. किसका 20%, पहले तो मार्जिन मनी 303.51 पे आएगा कि 302 पे आएगा, 302 पे आएगा. तो 500 शेयर खरीदा उस इंटू 302, इस पे कितना परसेंट मार्जिन मनी, 20%, 30,000, दिस इज योर मार्जिन मनी. तो इन परसेंटेज में से इंटू 100 18.5, तो 18% का लॉस हो गया इन अ मियर 12 डेज. अब ये 18% कोई ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, साल भर में एफडी करते हो 10% मिलता है मुश्किल से, 12 दिन में 18% गया, इज इट क्लियर, ये लॉजिक समझा. तो अच्छा परसेंटेज बड़ा क्यों दिख रहा है मालूम है, एक डोंट राइट, पहले परसेंटेज बड़ा क्यों दिख रहा है, बिकॉज यहां पे फुल अमाउंट नहीं दे रहे, मार्जिन मनी दे रहे. जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना परसेंटेज बड़ा आएगा. अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं उसके बाद लिखना, लेट्स से
सी ये क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूं तुम लोगों, ये तीन बार थियरी में पूछा है, फ्यूचर्स इज अ डेंजरस गेम. क्यों? देखो क्या होता है, मैं तुम लोगों को पूरी स्टोरी समझा रहा हूं कि वाई फ्यूचर्स है ना बहुत डेंजरस होता है. समझो, यू हैव लेट से यू हैव 2 lakh rupees, ध्यान दो भी, ठीक है. अगर स्पॉट में खरीदना है, स्पॉट में यू वांट टू डू योर ट्रांजैक्शन, शेयर प्राइस है 100 rupees, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2000 शेयर अगर परचेज किया एट द रेट ऑफ 100, 2 lakh rupees मांगेगा ब्रोकर, मेरे पास 2 lakh rupees है तो मैं उसको बैंक में से 2 lakh rupees दे दूंगा, खत्म. ठीक है, शेयर का प्राइस है ना 20% गिर गया, मतलब 100 रुपए का शेयर कितना हो गया 80, और आगे और खराब लग रहा है तो तुम लोग और होल्ड करोगे कि बेच दोगे? तो 2000 शेयर समझो तुम लोग बेच दोगे, इंटू 80, 1,60,000 वापिस मिलेगा, तो कितने का लॉस हुआ? परसेंटेज वाइज में पूछो, जो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 40,000 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच, यू इन्वेस्टेड फुल 2 lakhs, तो 20% का लॉस हुआ, क्योंकि 20% प्राइस गिरा तो 20% लॉस हो गया, ये तो लॉजिकल समझता है. लेकिन जब फ्यूचर्स आता है ना, तो सबसे पहले मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर, समझो अगर मैं 2 lakh rupees का भी खरीदता हूं, या चलो 2 lakh का, पहले मैं 2 lakh का ही बताता हूं, 2000 शेयर खरीदा फ्यूचर मार्केट में एट 100 rupees, 2 lakh rupees हुआ, इसका प्राइस 20% गिर गया, बेच दिया मैंने शेयर 1,60,000, कितने का लॉस, 40,000, सेम ही दिख रहा है, लेकिन जब परसेंटेज की बारी आएगी ना तो 40,000 इज द लॉस. और समझो मार्जिन मनी हम लोग ने दिया 20% स्टार्टिंग में, मतलब डिड वी पे 2 lakhs, वी पेड ओनली 20% ऑफ इट, तो कितना पे किया, सो हम लोग ने 40,000 जो दिया था वो पूरा लॉस हो गया. सो फॉर अस द परसेंटेज इज 100%, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है ना, इसलिए परसेंटेज बढ़ाता है. और नॉर्मली क्या होता है, ये तो मैंने समझाया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं देखो ह्यूमन बीन नेचर ही इज ऑलवेज ग्रीडी. क्या होता है, सबसे पहले अरे इसमें इस क्लास में कितने ने स्टॉक मार्केट अभी तक चालू नहीं किया ट्रेडिंग करना, अरे बापरे, और रिवर्स पूछता हूं किसने चालू किया, 2-3 जन, ठीक है. नॉर्मली सबसे पहले जब तुम लोग करोगे ना, तो पहले छोटा क्वांटिटी करता हूं, कुछ मालूम नहीं है तो थोड़ा डर लगता है, तो पहले समझो 100 शेयर का खरीदा, समझो 100 में खरीदा, 102 हो गया, तो क्या होगा, इमीडिएटली भेज दोगे तुम लोग, 100 में खरीदा 102 हो गया, इमीडिएटली भेज दोगे, 2 रुपया आया इंटू 100 शेयर, 200 रुपया आ गया. ये अगर आ गया ना, पहला वाला ट्रांजैक्शन में अगर प्रॉफिट कर लिया ना, तो बहुत रोना पड़ता है बाद में. क्या होता है, पहले कमा लिया 200 रुपया स्टार्टिंग में इतना, फिर बाद में हिम्मत खुल जाती है, फिर क्या लगता है हमें, क्या ये 100 शेयर में हम लोग बड़ा करेंगे, बड़ा ऐसा छोटे में मजा नहीं आएगा, अभी 100 शेयर नहीं, अभी बड़ा 1000 शेयर. और पब्लिक उनको क्या लगता है, हमें सब आता है मार्केट का, स्टॉक मार्केट पूरा समझता है, आया ना अभी प्रॉफिट, आया ना कमा लिया, तो मतलब आता है मेरे को, लॉस तो हो गई थी. फिर जब बड़ा करते हैं ना, एक दो ट्रांजेक्शन में भी अगर प्रॉफिट कमा लिया, फिर एक जो जाएगा ना, पुराना भी लेके जाएगा और देना पड़ता है. तो पब्लिक क्या होता है, ग्रेडीनेस क्या होता है, हमें 2 lakh rupees होगा ना, तो फ्यूचर मार्केट में हो गया ना, 2 lakh rupees का नहीं खरीदते, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग 10 lakh का खरीदते, क्योंकि ब्रोकर कितना मार्जिन मनी मांगेगा, 20%, 2 lakh है ना मेरे पास बैंक में, कहे 2 lakh rupees, तो मैं 2 lakh का क्यों खरीदूं, ज्यादा बड़ा करता हूं ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ब्रोकर पूरा तो मांग ही नहीं रहे, तो वाई शुड आई बाय फॉर 2 lakhs, आई विल बाय फॉर 10 lakhs. तो उन लोग का ऐसा थिंकिंग होता है, 10,000 शेयर खरीदते इंटू 100, कितने का खरीदा, 10 lakh, और मार्जिन मनी कितना दिया, 2 lakhs, उतना मांगा उतना दे दिया, बैंक में था. अब जब प्राइस गिर जाता है, 10,000 शेयर इंटू 80 हो जाता है, तो कितना हो गया, 8 lakhs, कितना नोशनल लॉस दिख रहा है, 2 lakhs. तो ब्रोकर क्या करेगा, इसमें से माइनस करेगा, ही विल से अभी और पैसा दो, नहीं है तो बेच दूंगा,
नहीं है तो बेच देगा, बराबर है? तो यहां पे क्या बचा? जीरो, मतलब पूरा 2 लाख रुपए गया। यहां पे क्या था? 2 लाख दिया था, 1,60,000 वापिस आया, 40,000 रुपए का लॉस हुआ, पर वापिस 1,60,000 तो आया ना। यहां पे 2 लाख दिया था, पूरा 2 लाख गया, खाली क्या आया मालूम है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मिला कि अगली बार नहीं करने का ऐसा। यहां पे 100% लॉस हो गया बिकॉज ऑफ द सेम नेचर। पब्लिक क्या सोचती है? सी ये सब चीज मेरे सारे कैलकुलेशन एफएम पूरा समझने लग जाता है। जब ग्रेडिनेस आता है ना तो पूरा समझता है कि 2 लाख का क्यों खरीदो, 10 लाख का खरीदूंगा तो 20% देना पड़ेगा, 2 लाख मेरे बैंक अकाउंट में दे दिया। बिकॉज व्हाट वी फील कि जितना बड़ा क्वांटिटी करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ट्रू, अगर बड़ा करोगे तो बड़ा प्रॉफिट भी आएगा लेकिन लॉस भी उतना ही जाएगा। फ्यूचर इज अ वेरी डेंजरस गेम, जब तक नहीं समझता है ना नहीं करने का, और अगर बहुत समझना है तो एक बार कर दो फिर जब देना पड़ेगा ना तो सब एक एक चीज समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। इज इट क्लियर? सो डोंट डू इट एट ऑल टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज द मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इज ह्यूज। ये लॉजिक समझ में है? मैंने क्या बताया, इधर 20% लॉस लेकिन इधर 100% लॉस, तो आएगा भी 100 जाएगा भी 100, उतना फास्ट होता है वो। नोशनल लॉस है, बराबर है। वो ब्रोकर बोलेगा तुम्हारा नोशनल लॉस हुआ, अभी कितना बचा मार्जिन में? जीरो। और पैसा नहीं, ब्रोकर को देगा, ब्रोकर के बैंक अकाउंट में जाता है। यू आर द क्लाइंट, आई एम द ब्रोकर, तुम मुझे 2 लाख का चेक दोगे, 2 लाख क्लियर हो गया, अब मैं तुम्हारा ट्रांजेक्शन 10 लाख का करूंगा। अब 2 लाख का नोशनल लॉस हुआ, मैं तुम्हारे मार्जिन में से माइनस कर दूंगा, मैं बोलूंगा अभी जीरो बचा है और 2 पैसा, नहीं तो मैं बेच रहा हूं, तुम नहीं दोगे तो बेच दूंगा, खत्म, तुमको खाली एक्सपीरियंस मिल गया बस, उससे कोई मतलब नहीं, बेच दिया खत्म। ये समझा क्या? ये लिखो, ये मत लिखो, ये ऐसे समा कराऊंगा मैं आगे। जो 2-3 जन ने किया स्टार्ट, किसने किया ट्रेडिंग? 1, 2 और बस 2 जन ने किया ट्रेडिंग, मतलब स्टॉक मार्केट में 3 प्रॉफिट हुआ फर्स्ट में, लॉस प्रॉफिट हो गया यार। देख लो, इसको देख लो लास्ट बार, हाँ तुम्हारा नो प्रॉफिट नो लॉस, पहला ट्रांजेक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस, एग्जैक्ट जीरो, ऐसा तो होने का नहीं ना। फिर भी यार लकी, आई नो सी स्टॉक मार्केट में ग्रीडनेस की वजह से ना क्या होता है, पब्लिक है ना ऊपर में रुकती नहीं है, मतलब प्रॉफिट होता तो रुकती नहीं है, 100 रुपए 102 104 और बेच देती है, लेकिन लॉस में रुकती है। बेसिक ह्यूमन नेचर, अगर 100 में खरीदा 98 हो गया, 90 हो गया, 10 रुपए नुकसान हो गया, मतलब नोशनल लॉस, तो पब्लिक नहीं बेचती है, उन्हें सोचते वापिस आएगा, भाव आएगा, मेरे एक दिन मेरा भी आएगा, नहीं बेचते। 90 का 80 हो जाता है, नहीं बेचेंगे, बोले अरे कल तो 90 था, कल 90 में बेचूंगा, 80 में कैसे बेचूंगा, आएगा एक दिन आएगा, फिर वो नीचे नीचे होके मतलब उसमें लिमिट करते, लास्ट में दे बिकम अनवॉन्टेड प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी, बराबर है, शेयर बिकेगा ही नहीं लास्ट में, इस तरह से ऐसे सेंटीमेंट रहता है उसके साथ कि मुझे ना कॉस्ट के नीचे तो बेचना ही नहीं है, लॉस कैसे चलेगा, तो उसके कारण ना वी होल्ड द एंटायर लॉसेस। प्रॉफिट में क्या है, छोड़ा आया आ रहा है ना, आने दो, बेच के नक्की करो, ये होता है पब्लिक का। और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट में वी वेट ओनली टिल अ स्मॉल अमाउंट, लॉस में वी वेट अनलिमिटेड, ये जनरल बेसिक रूल है। एक ऐसा कोई भी कंपनी, वैसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर फंस गए, तो वी आर मतलब जो इतना पूरे फुल टाइम मार्केट में होके भी फंस जाते हैं, देर आर सो मेनी पीपल, आई नो वन ऑफ द पर्सन जिसके पास एक कंपनी का SSI सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया, ये एक लिस्टेड कंपनी है, केतन पारेख का नाम सुना होगा, ये उसकी स्क्रिप्ट थी, मतलब उसकी रीड स्क्रिप्ट थी, तो उसको वाया वाया करके किसी से पता चला था कि इसमें ना अच्छा मूवमेंट आने वाला है,
तो समवेयर इन 98-97 जो भी ईयर में 98-99 में अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज के रेट पे उसने शेयर खरीदा. कितना शेयर खरीदा? 1 करोड़. और ये इसका शेयर का प्राइस 7000 हो गया रिक करके. केतन पारी की स्क्रिप्ट थी तो खाली मतलब वो रिगिंग होता है उसके थ्रू 7000 तक पहुंचा दिया. क्या करना चाहिए किसी को? लॉजिकली बेचना चाहिए. और वो बंदा बेचने वाले भी था, ही वॉज अबाउट टू सेल. ठीक है, लेकिन क्या होता है जब भी एडवाइस की बात है तो फोकट में एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं. तो जिस ब्रोकर के यहां पर बेचने जा रहा था उसने बोला अभी क्या बेच रहे, अभी तो इसकी टिप आई है, अभी तो भाव बढ़ेगा, 40000 हो जाएगा इसका, 7000 में कहां बेच रहा है. तो लालच आया, नहीं बेचा. स्कैम खुला, केतन पारेक का स्कैम खुला. उसकी सारी स्क्रिप्ट्स नीचे 20% नीचे की सर्किट, 20% नीचे की सर्किट मतलब 1400 रुपीज डाउन एक दिन में, 1400 रुपया ना 20% तो सीधा 5600. नेक्स्ट डे होगा 20% सर्किट तो चार. अरे इसमें क्या होता है, नीचे की सर्किट मतलब क्या होता है, सिर्फ सेलर होते हैं, देयर इज नो बायर ओनली. तो बेचेगा किसको? तो ये 2 दिन में ऐसा हो गया 4400. ये ऐसा 68 डे सर्किट लगी. ये तो 2 दिन की बता रहा हूं मैं. लास्ट में ना 24 रुपी से ही बेचा. ऐसे लोग का होना भी चाहिए, वेट किया इतना तो 24 अल्टीमेट लॉस हुआ था ना, तो उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. इन लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में ना बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर उनको टेंशन होता है इतना पैसा कमा लिया अभी क्या करूं, तो ऐसे स्टॉक मार्केट में चला जाता है तो दे फील रिलीव्ड, हाश गया अभी टेंशन नहीं ना, तो उसको कहां संभाल के रखे. तो ऐसे ये ऐसे इन्वेस्टर्स को लोगों का जन्म ही होता है, इधर इधर कमाने का, इधर लुटाने का. तो ही बाद में क्या हुआ, इसमें और थोड़े ऐसे और ट्रांजेक्शन किए, फिर अल्टीमेटली ये चौपाटी पे जो H2 है ना सुनील शेट्टी का, उसका ये पार्टनर था. तो बाद में ये सब ऐसे लॉसेस को चुकाने के पैसा नहीं था तो उसने पार्टनरशिप बेच दी, मतलब सुनील शेट्टी को. अरे अर्लियर ही वॉज लोन. अरे दुख क्यों रहा तुमको? अरे ही मेड अ मिस्टेक ऑफ होल्डिंग इट टिल दिस पॉइंट. और कोई भी इधर तक होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कोई मैजिक तो नहीं है. 40 का 7000 हो गया वही इटसेल्फ मालूम पड़ना चाहिए. प्लस दिस पीपल, नॉट ओनली दिस पीपल, एनीवन इन स्टॉक मार्केट. अच्छा, व्हेन यू बाय एनी प्रोडक्ट यू डू रिसर्च और नॉट? ऐसे किसका खरीदू, कौन से ब्रांड का खरीदू, सब समझता है. 100 रुपए की चीज खरीदते तो भी शेयर में कोई रिसर्च नहीं करता है. 1 लाख रुपए में खरीदेंगे, किसी ने बोला टिप दिया उसमें खरीद लिया, उसमें खरीद लेते. एंड ऐसे कितने सारी कंपनी, सिल्वर लाइन जैसी कंपनी मैंने बताया था, उसका अंधेरी में ऑफिस अभी तो था है जब लिस्टेड थी, तो 500 रुपए का शेयर प्राइस हो गया था, 500 रुपए पर शेयर मतलब. और उसकी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई थी, और उसने वॉचमैन की सैलरी 6 महीने से पे नहीं की थी. मतलब देखते ही नहीं, सब बोगस थी कंपनी, बिंदास इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक. एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करती है. केतन पारेख ने इतने लोगों को उल्लू बनाया है ना, इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं छोड़ा है. स्टार टीवी ओनर रूपर्ट मर्डॉक, सुने नाम स्टार टीवी, उसका जो ओन मेन मतलब जो ओनर है रूपर्ट मर्डॉक, जब उसको इंडिया उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि यस एक ग्रोइंग नेशन है, एक ग्रोइंग स्टोरी है, पर उसने इंडियंस को नहीं समझा था उस वक्त. तो उसने क्या किया, उसको लगा कि मार्केट में ही कैन मेक यूज मनी. वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया और उसने कमा लिया, तो ही फेल्ट सेम थिंग ही कैन डू ओवर हियर. तो एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी अभी तक है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड HFCL. ये अगेन केतन पारेख की स्क्रिप्ट थी उस वक्त. तो केतन पारेख ने इसको है ना मतलब 20 रुपए में खरीदा होगा, हार्डली 20 रुपए में, और इसको रिग कर करके 2200 रुपए तक ले गया. 20 रुपीज की स्क्रिप्ट, 2200, 20 रुपए की स्क्रिप्ट. ठीक है, और देन अभी रूपर्ट मर्डॉक वांटेड टू कम इनटू इंडियन मार्केट, सो अभी सीधा उसको किसी ने केतन पारेख से मिला दिया. तो इन लोग के बीच में केतन पारेख ने उसको ऑफर दिया कि मेरे पास 1 करोड़ शेयर है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का, 2200 इज द प्राइस, आई कैन गिव यू फॉर 1600.
600 रुपया कम पे देने को तैयार हूं, तो ही थॉट इट्स अ वेरी गुड डील. अब उसने क्या किया, उसके लिए प्रॉपर जैसे वो मीडिया में आता ना कवरेज, वो बड़ा सा चेक होता है मैन ऑफ द मैच का, ऐसे दोनों जन पकड़ के रखते हैं. तो वैसा वैसा मतलब उसका इवेंट हुआ जहां पे है ना, एक जगह रूपर्ट मर्डॉक, एक जगह कीर्तन पारेख, और वो 1600 करोड़ का चेक दे रहे हैं रूपर्ट मर्डॉक कीर्तन पारेख को, फोटो खींचा रहे बराबर है. यहाँ पे रूपर्ट मर्डॉक खुश हो रहे कि 2200 की चीज 1600 में मिल रही है, वहां पे वो खुश हो रहे 16 रुपए की चीज 1600 में जा रही है, बराबर है. जैसे ही स्कैम खुला नीचे की सर्किट लगी, आज तक 16 रुपए ही है, 16 भी शायद ज्यादा है, मेरे को लग रही है 16 भी होगा उसका प्राइस. उसके बाद रूपर्ट मर्डॉक ने इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं किया. फिर देखो सारे सीरियल्स उसके कैसे आते हैं, वो अपना दुख ही निकालता दिखाता है सीरियल्स में सर. उसे अभी बस प्योरली ही इज इन्वेस्टेड इन टू मीडिया, मतलब शेयर्स नहीं खरीदे, 1 रुपए का शेयर इज नॉट ओनिंग ऑफ इंडियन कंपनी, ही इज ओनली मतलब हैविंग दिस चैनल. उसको एक एक्सपीरियंस मालूम पड़ गया कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री ओनली. तो ऐसे कीर्तन पारेख ने बहुत लोग को उल्लू बनाया. तो अगर जस्ट इमेजिन उसके जैसा बंदा 1600 करोड़ इन्वेस्ट करने के पहले ये नहीं देखता कि कंपनी में क्या कंपनी है, कहां पर है, क्या प्रॉफिट है, कुछ नहीं देखा और इन्वेस्ट कर दिया, तो ग्रीडनेस आती ना, तो उस वक्त सब सोचता नहीं, लोगों को लगता है डील चली जाएगी, आज ही चली जाएगी. जितनी डील अट्रैक्टिव होती ना उतना प्रॉब्लमेटिक होगा, नहीं तो सामने ना बेवकूफ है क्या, 2200 का चीज 1600 में क्यों देगा, मार्केट में भी बेच सकता है ना, तो उसी से समझना होता है. लेकिन क्या जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो यू सब चीज पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव सब पीछे रहता है, तो वो सिचुएशन है. उसने तो बैंक को उठा दिया था, एक बैंक बंद हुई थी ना कितने बार के वैसे, ग्लोबल टेली बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, उसने बैंक से ही लोन लेके शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वो शेयर उसी बैंक के पास गिर भी रखा. मतलब मैं तुमसे 100 करोड़ रुपए लोन ले रहा हूं, 100 करोड़ का शेयर खरीदा, सुनो 100 करोड़ लोन लिया, 100 करोड़ का शेयर खरीदा, ये 100 करोड़ गिरवी रख के वापिस लोन लिया, डबल आ गया शेयर प्राइस उसका, गिर गया ये तो लेके दूसरे कंपनी से इन्वेस्ट करके, मतलब पूरा बैंक ही बंद हो गई. एंड ही वॉज अ आर्टिकल ट्रेनी, मतलब ही वॉज अ ट्रेनी विद हर्षद मेहता. तो उससे सीख के ये आया, ऐसे हर 10 साल के गैप में होता ही है, मतलब 92 ये, फिर बाद में 2012 में नहीं हुआ लकीली, क्योंकि उसके पहले ग्लोबल क्राइसिस आ गया, 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हो गया, बाहर का कर प्रॉब्लम हुआ अल्टीमेटली इंडियन, और ये भी मजे की बात है देखो, प्रॉब्लम हुआ था यूएस में और सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट गिरा, जितना यूएस में गिरा उससे ज्यादा इंडियन मार्केट गिरा. जो पेमेंट क्राइसिस हुआ था, इंडिया का जो उसमें पैसा था सिर्फ 500 करोड़ था, सिर्फ 500 करोड़, एज कंपेयर टू यूएस जिसका इसमें मतलब क्राइसिस के अंदर कम से कम 4.5 लाख करोड़ था, वो मार्केट 20% गिरा, हम लोग 50% गिर गए. वो कोई रीजन, क्योंकि यहां पे सब सेंटीमेंट पे चलता है, पूरा सिर्फ सेंटीमेंट होता है, 90% ऑफ इन्वेस्टर्स को कुछ समझता ही नहीं है, उन लोग सिर्फ सुन के या देख के इन्वेस्ट करते हैं. सीएनबीसी चैनल हुआ, उसमें दो जन बोल देगा ना ये खराब है, कुछ तो सोच के ही बोल रहे होंगे यार, इन लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो होगा ही, बेच दो अपना, वो नहीं देते कि कंपनी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये एक्सपर्ट जो बोलते हैं ना सीएनबीसी चैनल, मतलब जो मतलब बुलाते हैं कोई भी चैनल, नॉट सीएनबीसी, वेदर इट इज एनी बिजनेस चैनल, हाफ ऑफ देम आर पेड मनी. वो भी कैसा, जैसे इनके ऑफिस में, जैसे सीएनबीसी के ऑफिस में क्या होता है, मैं कैमरा होगा ना सामने स्क्रीन होती है, और वो एक्सपर्ट को बोलते हैं इधर जो दिख रहे ना वो बोलते जाने का, सोचने का नहीं क्या बोल रहे हो, एक एक करके वो लाइन आती जाएगी, वो बोलते जाने का है, और बाद में 5000 का चेक लेके जाने का, बस यही होता है. 10 जन को बुला लेंगे, 10 जन से सेम चीज बोल दिया तो क्या होगा, पब्लिक के माइंड में इंप्रेशन क्या होगा कि नहीं वो स्क्रिप्ट 10 जन बोल रहे, कुछ तो इन लोग इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, कुछ तो होगा ही. और सच्ची में पब्लिक उसके अंदर बेचती है, और जिनको खरीदना होता है ना लोअर प्राइस में, उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, पूरे इंडिया में से सेलिंग चालू होगी, प्राइस नीचे हो जाएगा तो उन्हें नीचे में खरीद लेंगे. ऐसे बहुत होता है, मैक्सिमम तो यही होता है, पब्लिक को समझ नहीं, एक दिन में क्या हो गया कि प्लस माइनस इतना नीचे फटाफट होता है. मतलब ऐसे इंफोसिस ने अगर समझो कुछ जरा सा भी गाइडेंस नेगेटिव दिया मतलब डज नॉट मीन इसकी कंपनी खराब होगी, तो भी सीधा 10% स्टॉक गिर जाएगा, 10% प्रॉफिट तो कम नहीं हुआ, 10% स्टॉक गिर गया, और नेक्स्ट डे ऑफिस 10% बढ़ जाएगा, तो पहले बेचे क्यों,
बेचते कौन है? ऑर्डिनरी पब्लिक बेचती है, और नीचे के प्राइस में दिस पीपल बाय इट एंड देन दे होल्ड इट बिकॉज दे नो दे विल गेट अ 10% लेस. तो वाई दे, अगर उनको 2000 करोड़ का शेयर खरीदना है, 10% नीचे खरीदने मिलेगा, 200 करोड़ का फायदा होता है. तो उन लोग ऐसे पेमेंट करते चैनल्स को कि बोलो पब्लिक बेचेगी, 200 करोड़ नीचे में मिल जाएगा, हम लोग खरीद लेंगे. और ऐसे ही बढ़ाते हुए बेचना होता है उनको हाई प्राइस में, तो अच्छा बुलवाते कि अच्छा है इस कंपनी के बारे में सब चीज, तो पब्लिक उसको खरीदेगी, इन लोग बेच के निकल जाएंगे और फिर तुम लोग पड़ा रहेगा तुम्हारे पास, संभाल के रखेंगे. कैसा वो सैड क्यों हो तुम लोग? दिस इज अ जनरल फैक्ट आई एम सेइंग. छोड़ो, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, तुम लोग किधर और चले जाओगे. हम पे समसी करते हैं, 2-5 हजार रुपए में खुश रहते अपने, उतना ही तो करने का. पर मैंने समझा ये परसेंटेज बड़ा क्यों दिखता है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज लेस. लिखा है, लिख दिया. हाँ हाँ, ऐसा है, तुम लोग करोगे? अरे मुझे तो कराना, तो और जल्दी हो जाएगा इसके ऊपर वाला सम. लेकिन उसमें मैं बताया था, जैसे शेयर्स खरीदते और बेचते हैं फ्यूचर्स में, सेम वे यू कैन बाय एंड सेल निफ्टी ऑल्सो. निफ्टी मतलब एनएससी का इंडेक्स, उसको भी खरीद सकते बेच सकते इन फ्यूचर मार्केट. अब इनमें क्या होता है, शेयर्स में एक इधर एक लॉट में कितना शेयर था? हमेशा देंगे 500 शेयर, 400 शेयर, 300 शेयर. अभी जो फर्स्ट फोर सम्स किए दिए थे सब में, एक लॉट में कितना शेयर निफ्टी में नहीं देंगे, वो मालूम होना चाहिए. खाली निफ्टी का ही मालूम होना चाहिए. उसमें भी कैसे था उन्हें, जब स्पॉट निफ्टी 2000 के नीचे था, इंडेक्स 2000 के नीचे था ना, तब एनएससी ने एक लॉट 200 यूनिट रखा था. अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभी निफ्टी है ना 7000 के ऊपर है, सेंसेक्स नहीं, निफ्टी 7000 के ऊपर है. लेकिन जब यही निफ्टी 2000 के नीचे था ना, तब क्योंकि फ्यूचर्स का ट्रेडिंग बहुत टाइम से चल रहा है, 1998 से, तो 2000 के भी नीचे था निफ्टी, तो एक लॉट है ना 200 यूनिट था. फिर जैसे ही 2000 टच कर दिया, उसके बाद से लेकर एनएससी ने एक लॉट 100 यूनिट कर दिया था. और फिर जैसे ही 4000 के ऊपर आया, मतलब ये टिल 4000 था, 4000 के ऊपर आया ना, तो अभी तक एक लॉट 50 यूनिट है. मतलब इन टुडेज सिनेरियो, इफ यू वांट टू बाय वन लॉट ऑफ निफ्टी, वन लॉट विल बी इक्वल टू 50 यूनिट्स. सी निफ्टी इज नॉट अ शेयर, तो उसको पर शेयर नहीं बोलते, 50 शेयर्स नहीं, 50 यूनिट्स. इवन अभी तो एनएससी ने और छोटा भी निकाल कर रखा है, मिनी निफ्टी, वो 1,25,000 यूनिट होता है, जैसे छोटा रिचार्ज होता है ना, वैसे मिनी निफ्टी 25 यूनिट्स. तो जिसको थोड़ा कम अमाउंट का करना है तो 25 का भी खरीद सकते हैं. तो अभी सम में कैसे मालूम पड़ेगा क्या आएगा, कितना यूनिट, क्योंकि ये तो देंगे ही नहीं. तो हम लोग को ये सोचने का, अगर सम में ऐसे नहीं है, स्पॉट निफ्टी 1600, तो तभी एक लॉट निफ्टी का 200 यूनिट था. अगर क्वेश्चन में दिया एक निफ्टी का प्राइस है 3600, तो 100 यूनिट ले लेगा. और अभी का जैसे सिनेरियो है, 6000 इज द इंडेक्स, समझो 5000 इज द इंडेक्स, 5200 इज द इंडेक्स, तो एक लॉट 50 यूनिट. ये लिख दो, मतलब ये चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए. द इंस्टीट्यूट कैन एक्सपेक्ट यू टू नो दिस. अभी तक ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? सिर्फ प्रैक्टिकल है, ऐसा होता है, तो यू विल फाइंड इट मच मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो, आगे भी जाएंगे. और किसी को लॉस हुआ होगा तो वो तो सेंटिमेंटली अटैच भी हो जाएगा इसके साथ. तो अभी एक सम है ना इसी टाइप का, हाँ बराबर, पर इसी टाइप का सम एक ये तुम लोग करोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.
एक्स मिलीकैन, क्वेश्चन नंबर फाइव में करंट निफ्टी इन स्पॉट मार्केट इज 1700 एंड प्राइस ऑफ निफ्टी टुडे इन टू मंथ फ्यूचर मार्केट इज 1720। मतलब ये प्राइस टू मंथ फ्यूचर मार्केट मतलब आज से दो महीने आज का ही है, प्राइस टुडे लिखे हैं। टू मंथ फ्यूचर मार्केट मतलब सेटलमेंट दो महीने बाद होगा। We expect Nifty to prevail at 1760 after 1.5 months. How can we make profit? If we execute the contract and calculate the profit percentage, assuming margin money is 24,000. So same way में जैसे the test को लिखा वैसे Nifty लिखना है। एक बार ये करो। इसमें brokerage भी नहीं है। Brokerage ये तो और अच्छा है, easy है ना? ये वाला part नहीं करना है। सीधा डायरेक्टली प्राइसेस दिए हुए। पहले तो ये कैसे समझेगा कि ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट में कर रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट में? मार्जिन मनी दिया है मतलब कंपल्सरीली फ्यूचर मार्केट। अब इधर खरीद रहे की बेच रहे ऐसे कुछ बोला नहीं, यू हैव टू डू टू गेट प्रॉफिट बोला है। तो क्या करोगे आज? पहले तो कहां पे? बट फ्यूचर मार्केट में ना, टू मंथ फ्यूचर मार्केट में खरीदना है ना कि बेचना है? 1720 चल रहा है और आगे हम लोग को लग रहा है 1760 हो जाएगा, तो आज क्या करोगे? यू विल बाय टुडे ना, एंड आफ्टर 1.5 months स्क्वायर अप कर दोगे 1760 में, मतलब बेच देंगे 40 रुपीज पर शेयर। नहीं ले सकते पर यूनिट निफ्टी है, वो स्पॉट मार्केट का प्राइस है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। अब ये 40 रुपीज पर यूनिट है, अब एक यूनिट में कितने, एक लॉट में कितने यूनिट्स है वो कैसे समझेगा? स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी 1700 वो इसके नीचे है, तो उस वक्त एक लॉट में कितना यूनिट्स था? 200 यूनिट्स था। ये समझा? सो 8000 रुपीज का प्रॉफिट। क्लियर? अरे सुन, और प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछा है, जैसे उधर लॉस परसेंटेज था जैसे प्रॉफिट परसेंटेज। 8000 इज द प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट? ना ऐसे देखा जाए तो हम लोगों ने 200 यूनिट खरीदा एट 1720 ईच, तो 200 इंटू 1720 करते हो तो 3,44,000 का खरीदा। बट डिड यू पे 3,44,000? यू पेड ओनली 33.। देखो 1.5 month में 33% कमा लिया, बराबर है? और वो भी अभी शेयर का प्राइस 33% थोड़ा बढ़ा है, शेयर का प्राइस एक्चुअली मुश्किल से 2% बढ़ा है। 1720 प्लस एक बार 2.5% करके देखो, 2.5% 1720 प्लस 2.5% 1760 जितना आ गया, तो 2.5% ही बढ़ा शेयर का प्राइस। तो शेयर का प्राइस 2.5% बढ़ा तो मुझे 33% कैसे आ गया? क्योंकि डिनोमिनेटर फुल अमाउंट नहीं है, डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए परसेंटेज बढ़ा लग रहा है।
तो सिर्फ 2.5% चेंज गिव्स मी 33% प्रॉफिट, ऐसा रिवर्स भी ट्रू होगा, 2.5% डिक्लाइन होगा मेरा 33% जाएगा फ्यूचर्स, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। ये समझा, इज दिस क्लियर टू यू? अभी मेरी मैंने ही की अल्टीमेटली, तुम लोग करोगे, जब तक तुम लोग नहीं करोगे मैं कराऊंगा, नेक्स्ट वैरायटी नहीं कराऊंगा। देखो एक एक्स्ट्रा समझो, चलो स्पॉट प्राइस एक्स्ट्रा ऑफ एसीसी 600, वन मंथ फ्यूचर प्राइस टुडे, वन मंथ फ्यूचर प्राइस टुडे इज 610, सो टुडे टुडे वी हैव बॉट 1000 शेयर्स इन स्पॉट एंड सोल्ड 2 लॉट्स इन फ्यूचर मार्केट। फुल स्टॉप। आफ्टर 20 डेज वी स्क्वेर्ड अप, we squared up at 460 and 463 respectively. Calculate profit or loss assuming 20% margin money also calculate percentage, और ब्रैकेट में दो, वन लॉट इक्वल टू 400 शेयर्स। अब यहां पे हमने सिंगल ट्रांजेक्शन किया कि डबल ट्रांजेक्शन किया, तो स्पॉट में भी किया और फ्यूचर मार्केट में भी किया, क्योंकि लिखा है ना वी हैव बॉट 1000 शेयर्स इन स्पॉट and sold 2 lot in futures. तो मतलब क्या करना पड़ेगा, spot और future दोनों लिखना पड़ेगा, इस तरह से spot और 1 month future market। इधर आज के दिन price क्या है 600 और जो 610 बराबर है, ये आज का price है, और आफ्टर 20 डेज जब स्क्वायर अप कर रहे तब प्राइस क्या हो गया 463 बराबर है। बताओ आज हमने स्पॉट में क्या किया, टुडे वी हैव बॉट, बोला है ना इन 1000 शेयर्स इन स्पॉट, मतलब यहां पे खरीदा एंड सोल्ड 2 लॉट्स इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में बेचा, स्पॉट में खरीदा और फ्यूचर में बेचा, और 20 डेज बाद स्क्वायर अप कर दिया। स्क्वायर अप मतलब क्या होता है, जहां पे खरीदा वहीं पे बेचना पड़ेगा, जहां पर बेचा वहीं पे खरीदना पड़ेगा, तो यहां पे खरीदा यहां पे बेचना पड़ेगा, और यहां पर बेचा था वहां पे खरीदना पड़ेगा। ये समझा, तो बताओ इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 600 में खरीदा 460 में बेचा, 140 का लॉस। ये समझा, उधर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि 610 में बेचा और वहां सस्ते में खरीद लिया 463 में, कितने का प्रॉफिट, 147 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर। समझे, क्लियर?
वापिस समझाने की जरूरत है इतना पार्ट क्लियर टू यू? ये इधर कितने शेयर्स का ट्रांजेक्शन किया? तो 14,000 का लॉस. सॉरी 14,000 नहीं, 1,40,000 का लॉस, 1,40,000 का लॉस. और वहां पे इंटू 800 शेयर्स, क्योंकि दो लॉट है और एक लॉट 400 शेयर है, बोला ना, तो दो लॉट बेचा मतलब कितना? 800 शेयर्स बेचा, 1,17,000. इज दिस क्लियर टू यू? तो इधर 1,40,000 का लॉस, उधर 1,17,600 का गेन. सो व्हाट इज द नेट इफेक्ट? 22,400 का लॉस. क्लियर टू यू? अब खाली लॉस का अमाउंट निकालना कि परसेंटेज भी? सो परसेंटेज भी निकालना है. लॉस परसेंटेज कितने का लॉस हुआ? ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट? कितना इन्वेस्ट किया बताओ? सिर्फ दो ट्रांजेक्शन है ऐसे समझो. पहला ट्रांजेक्शन स्पॉट में कितना पेमेंट करना पड़ता है? फुल. तो 1,000 शेयर खरीदा 600 में, तो 6,00,000 रुपीज का शेयर खरीदा. और स्पॉट में कितना पेमेंट किया होगा? पूरा 6,00,000 रुपए दिया होगा, तो 6,00,000 रुपए तो इन्वेस्ट किया ही किया ये स्पॉट के ट्रांजेक्शन में. और फ्यूचर के ट्रांजेक्शन में मार्जिन मनी इन्वेस्ट करते. अब यहां पे कितना शेयर बेचा? 610 के रेट पे 800 शेयर बेचा. तो 800 × 610 करो, 800 शेयर × 610. इसमें पूरा दिया गया 20% मार्जिन मनी, 97. तो 6,97,600 दिया. इज दैट क्लियर? कितना हो जाता है? 3.2. अंडरस्टूड? यहां पे दो ट्रांजेक्शन थे, इसमें दो इन्वेस्टमेंट है, समझे? ये वाला तुम लोग रिकॉर्ड करोगे अभी, यू विल डू एंटरली. दैट इज 16th सब. रिलायंस स्पॉट इज 1200, 1 month रिलायंस फ्यूचर इज 1230. टूडे वी हैव बॉट रिलायंस ऑफ 30,00,000 इन स्पॉट. 30,00,000 का खरीदा मतलब कितने का? कितना क्वांटिटी खरीदा? कितना क्वांटिटी खरीदा बताओ? 30,00,000 रुपए का खरीदा तुम, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 1200 का है स्पॉट में. सो 30,00,000 डिवाइड बाय 1200 बराबर है 25 शेयर्स परचेज. सो टुडे वी हैव बॉट रिलायंस ऑफ 30,00,000 इन स्पॉट एंड सोल्ड इन फ्यूचर्स. मतलब हमने क्या किया? 2,500 शेयर्स क्वांटिटी खरीदा स्पॉट में एंड सोल्ड इन फ्यूचर. मतलब कितना क्वांटिटी बेचा? उतना ही. अरे हाँ, क्योंकि अगर समझो, मैं ऐसा बोलता हूं, टुडे आई हैव बॉट 10 पेन इन स्पॉट. मतलब यार, टुडे आई हैव बॉट 10 पेन इन स्पॉट राइट नाउ एंड सोल्ड इन फ्यूचर. तो कितना फ्यूचर में बेचा? वही 10. कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना. तो अगर ये वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि दोनों जगह प्राइसिंग अलग है, क्वांटिटी सेम होगा. 30,00,000 रुपीज का नहीं बेचा, उतना क्वांटिटी बेचा. 2500 शेयर्स खरीदा, तो उधर भी 2500 शेयर्स बेचा.
फिर इन दिस पीरियड 7000 इज रिसीव्ड एज डिविडेंड आफ्टर 12 डेज रिलायंस क्लोज एट 1207 एंड फ्यूचर क्लोज एट 1210 तो इधर स्क्वायर अप करना पड़ेगा व्हाट इज द एनुअलाइज रिटर्न एज्यूमिंग 20% मार्जिन मनी एनुअलाइज रिटर्न मतलब क्या होता है बेसिकली अगर मुझे इसमें एनुअलाइज करना है ये सब में ये एनुअलाइज नहीं था खाली रिटर्न था एनुअलाइज मतलब पर एनम होना चाहिए अब बताओ ये जो कमाया ये कितने दिन में कमाया ये कितने 20 डेज में कमाया तो ये तो 20 दिन का है मुझे एनुअल चाहिए 365 डेज का तो क्या करना पड़ता है पहले तो डिवाइड बाई 20 डेज करेंगे तो एक दिन का हो गया और फिर मल्टीप्लाई 365 करते हैं तो साल भर का जो भी परसेंटेज आएगा दैट इज एनुअलाइज्ड तो फिर जो परसेंटेज आएगा उधर पर एनम लिखना पड़ता है ये लॉजिक समझा वैसे इसका पूरा आंसर फाइनल आंसर बताओगे तुम लोग एनुअलाइज्ड रिटर्न परसेंटेज हाँ तो डिविडेंड इज एन एक्सपेंस की इनकम तो इधर अगर प्रॉफिट्स होगा उसमें ऐड हो जाएगा परसेंटेज में 62.68% पर एनम आया नहीं है वो देखो इसमें ना पहले तो ये लिखा उन्होंने कि स्पॉट में 1200 प्राइस है 1200 और वन मंथ फ्यूचर मार्केट में 1230 हम लोगों ने यहां पे खरीदा और यहां पे बेचा टुडे एंड आफ्टर 12 डेज यहां पे कितने हैं 7 110 अभी सी ये बहुत जगह मिसकंसेप्शन है कि यहां पे लेके यहां पे बेच सकते हैं समझो ये खरीदा ये खरीद के इधर बेच सकते ऐसा नहीं होता है इधर खरीदा ये अलग ट्रांजेक्शन है इधर बेचा हुआ अलग ट्रांजेक्शन है एक से उधर मार्केट दूसरे मार्केट में नहीं जाएगा ये खरीदा ये बेचा अब इसको इधर ही स्क्वायर अप करना पड़ेगा और उसको भी उधर ही स्क्वायर अप करना पड़ेगा यहां पे लिया यहां पे बेचने का यहां पे बेचा यहां पे ले लेगा तो इधर 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ यहां पे प्रॉफिट है कि लॉस है प्रॉफिट ही है इनटू 1750 का प्रॉफिट प्लस 7000 डिविडेंड आया अब प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए एनुअलाइज हुई 74500 इज द प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट स्पॉट में कितना इन्वेस्ट किया 30 लाख और फ्यूचर्स में कितना इन्वेस्ट किया वहां पे 2500 शेयर्स खरीदा सॉरी बेचा इंटू 1230 इंटू 20% 20% ये परसेंटेज हुआ
लेकिन ये 12 डेज का हुआ तो एनुअल करने के लिए क्या करोगे? इंटू 365 कितना पसंद आता है ये समझा? तो प्रॉफिट लॉस के अमाउंट टोटल 4 सम्स किए, 3 टेक्स्ट बुक और एक एक्स्ट्रा। अब ये कंसेप्ट समझा पक्का? अच्छा नाउ इट्स ऑलरेडी 10:25 ना। अच्छा एक मिनट मैं खाली पॉइंट बता रहा हूं, सम नेक्स्ट टाइम पे ही करेंगे। एक मिनट सुन, खाली हेडिंग लिख दो पहले, हाउ टू कैलकुलेट। हां हेडिंग हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस टुडे हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस टुडे इन फ्यूचर मार्केट। इन फ्यूचर मार्केट और इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली अंडरलाइन दिस। अब सब हम तो पूरा नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा, खाली ये पॉइंट देखो कि अगर आज के दिन, अभी देखो ये यहां पे प्राइस अलग है, यहां पे अलग होता है, 4 सम किए, चारों में अलग था आज का प्राइस, तो ऐसा क्यों होता है? जब मैं यही पेन, समझो पेन की बात कर रहा हूं, ये पेन स्पॉट में 10 रुपए में, यही पेन फ्यूचर में 12 रुपए में क्यों? अरे फ्यूचर मतलब उस आगे का वैल्यू प्राइस नहीं है, ये आज का ही प्राइस होता है। नहीं एक मिनट खाली तुम लोग सोच के बताओ, अगर स्पॉट में ये शेयर 100 रुपीज का मिल रहा है, एसीसी का शेयर समझो 100 में मिल रहा है, ठीक है, और 3 मंथ फ्यूचर मार्केट में ये 100 रुपए में मिलेगा अगर, और सर जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, 3 मंथ फ्यूचर मार्केट मतलब उधर सेटल 3 महीने बाद होगा, लेकिन प्राइस आज का ही है बोल रहा हूं, तो वहां पे 100 रुपए में मिलेगा, अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज है तो भी तुम स्पॉट में नहीं खरीदोगे, यहां पे खरीदोगे, क्यों? सिंपल रीजन है, अगर समझो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 100 रुपए पड़े, स्पॉट में खरीद लिया 100 रुपए का शेयर, तो 100 का 100 आज देना पड़ेगा, बराबर है, तो तुम्हारा पूरा पैसा खत्म हो गया, मतलब नाउ डू यू हैव एनी सरप्लस अमाउंट? ठीक है, बट अगर मैं फ्यूचर में 100 रुपए में खरीदता हूं तो पेमेंट करना है क्या? अभी एक बार मार्जिन मनी नहीं है, समझो मार्जिन सब में देंगे नहीं, मार्जिन मनी नहीं है तो पूरा सेटल कब होगा? लास्ट में 3 महीने बाद सेटल होगा, तो मेरे पास 100 रुपए अभी भी जेब में पड़े, उसकी एफडी कर सकता हूं एट 12% पर एनम, तो 3 मंथ्स का 3%, तो 100 रुपए पे कितना अर्न कर सकता हूं? 3 रुपए इंटरेस्ट कमा सकता हूं, तो बताओ अगर 100 रुपए होगा भैया तो भी स्पॉट में नहीं खरीदूंगा, फ्यूचर्स में खरीदूंगा, इज इट क्लियर? तो बताओ लॉजिकल दोनों का प्राइस सेम होने का क्या? तो कोई इधर खरीदेगा ही नहीं। अच्छा बताओ अगर इधर 101 होगा तो कहां पर खरीदोगे, स्पॉट में कि फ्यूचर में? फ्यूचर 100 में मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है तो भी फ्यूचर में खरीदूंगा, 101 रुपया वो भी देना नहीं है, मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं इधर से? 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं, अरे इधर से तो 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं, लेकिन जो 100 रुपया बच गया उसकी एफडी करके 3 रुपया कमा सकता हूं, तो भी 1 रुपया ज्यादा देना फिर भी चलेगा कि नहीं? समझ रहे कि ऊपर से जा रहा साहब? तो बताओ 101 में खरीदने तो तैयार होंगे, 102 में होगा तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस यू विल बी रेडी टुडे टू पे इन फ्यूचर मार्केट? 102
थ्री, इसके ऊपर दोगे? अच्छा, इसके नीचे तुम देने को तैयार हो गए, लेकिन इसके नीचे वो सामने वाला नहीं बेचेगा, क्योंकि जिसके, अभी समझो, तुम ऐसे सोचो, यू आर द सेलर, तुम्हारे पास शेयर पड़ा है, ठीक है, यहां पर बेचो कितना मिलेगा? 100 रुपए मिलेगा आज, और उसको एफडी करके 3 महीने जो 100 रुपए कैश मिलेगा उसको एफडी करके 3 रुपए इंटरेस्ट कमा सकते हो, बराबर है? यहां पर बेचोगे समझो 102 में भी, तो भी 102 मिलेगा नहीं, खाली डील हो जाएगी, 3 महीने बाद सेटल होगा, तो यहां पे वो एफडी कर पाओगे क्या? नहीं। तो यू विल सेल इट 102 ईयर के 100 ईयर? 100 पे बेचना बेटर है। ये क्यों लॉजिक समझ में आया? यहां पे 100 रुपया कैश इमीडिएटली मिलेगा, उसको एफडी में इन्वेस्ट करके 3 रुपए इंटरेस्ट कमा सकते हैं, तो 103 मिला, वहां पे 102 ही मिलेगा। मतलब टेल मी, विल यू एज अ सेलर बी रेडी टू सेल यर एट 102? नो। तो तुम लोग कितना मिनिमम एक्सपेक्ट करोगे? 103 के ऊपर बेचने जाओगे कोई खरीदेगा? तो वो ये बोलो क्या प्राइस पे ट्रांजेक्शन मतलब होगा? 103। तो अगर स्पॉट में आज के दिन 100 रुपए है तो इधर 103 होगा, ये लॉजिक समझा? तो वो 103 कैसे आया ये तो मैंने ट्रायल एरर करके ही बताया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होना चाहिए? इट इज नथिंग बट जो जितना इंटरेस्ट इधर 3 महीने का वो आता था, वही उतना इधर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स द फॉर्मूला इन फ्यूचर मार्केट विल बी स्पॉट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 100 प्लस 100 का 12% साल का, ये तो साल का हुआ, 3 months का इंटू 3 / 12, 3 rupees, ये समझा? अच्छा, इसी केस में अगर मैं ऐसे बोलता हूं स्पॉट प्राइस इज 1000, इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, चलो वही ले रहा हूं मैं, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 3 months 5 rupees पर शेयर। स्पॉट में क्या प्राइस है? 1000, और आज के दिन 3 month फ्यूचर मार्केट में क्या प्राइस होना चाहिए ये पूछ रहे। ऐसे सोचो, लेट्स से दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, जो भी करना है लोन के पैसे पे करना है, नहीं है पैसा तो, और खरीदना भी है तो लोन लेना पड़ेगा। तो बताओ अगर तुम स्पॉट में खरीदते हो 1000 रुपए का, 1000 रुपया नहीं है तुम्हारे पास तो 1000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, बराबर है? उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? और 3 महीने बाद बेच के रिपे कर दोगे इसका लोन? अरे किसी ने तुमको बोला खरीद लो इसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो तुम बेच के कमा लोगे तो रिटर्न कर देना लोन। तो 1000 रुपए का लोन लिया 3 महीने के लिए एट 12%, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 30 rupees। तो अल्टीमेटली शेयर कितने का पड़ा? 1030। ये लॉजिक समझते हैं या अकाउंट के फॉर्म में बनाऊं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट? समझा? ठीक है, 3 महीने बाद तुमको डिविडेंड भी मिलेगा 5 रुपया पर शेयर, तो ये एक्सपेंस है कि इनकम है? तो मतलब ये कॉस्ट को बढ़ाएगा कि कम करेगा? मतलब सिंपल, 30 रुपए इंटरेस्ट दिया और 5 रुपए डिविडेंड आया तो 35 थोड़ा गया, 30 गया 5 आया तो 25 ही गया ना। तो अल्टीमेटली तुमको कितने का पड़ा शेयर? 1025। तो वही प्राइस फ्यूचर में भी होना चाहिए। तो फ्यूचर में आज के दिन प्राइस क्या कितना होना चाहिए? 1025। तो हम लोग कैसे करते हैं? स्पॉट का प्राइस 1000 प्लस 1000 इंटू 12% इंटू 3/12, दैट इज 30। अभी डिविडेंड आ रहा है, इनकम है, तो प्लस होगा कि माइनस? तो 1025। ये लॉजिक समझा? एक मिनट, अगर यही सेम चीज 2 महीने बाद आएगा, 1000 रुपए का लोन ले, 1000 रुपए आज मेरे, उसको रीपे कब करेंगे बताओ सामने वाले को? 3 months के बाद बेचना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको इंटरेस्ट 30 रुपए देना है, या फिर 30 रुपए 3 महीने में 30 रुपए देना है। डिविडेंड 5 रुपए कब आएगा? इधर आएगा, ये 5 रुपए घर पे रखेंगे,
इसकी भी एफडी कर सकते ना। अरे जो 5 रुपए है उसकी एफडी कर सकते हैं। अब लोगों सोचो 5 रुपए की एफडी कौन करता है? 5 रुपया नहीं होता इधर, ये तो पर शेयर है, इंटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे और एफआई एक्सेट्रा, ये तो 1 करोड़ का करेंगे तो 5 करोड़ रुपया होता है डिविडेंड। तो यू हैव टू थिंक, 5 रुपए का कौन जाएगा बैंक में, वो मत सोचो। 5 रुपीज की अगर एफडी की तो इसका इंटरेस्ट आएगा कितने टाइम का? 1 मंथ का आएगा इंटरेस्ट, 1 मंथ का 1%, साल का 12%। तो 5 रुपए में 5 रुपए इधर कितना बन जाएगा? 5 रुपए 5 पैसा, 5.05। तो बताओ तुम्हारा अल्टीमेटली कितना, 1000 रुपए में खरीदा, 30 रुपए इंटरेस्ट दिया, और 5 रुपए आया कि 5.05 आया? तो मतलब माइनस 5 होगा कि 5.05। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5 तो दिखाना पड़ेगा से, प्लस इस 5 का 12% इंटू, मतलब ये डिविडेंड तो माइनस होगा साथ में इसका इंटरेस्ट, डिविडेंड का इंटरेस्ट। ये लॉजिक समझा? ये फॉर्मूला लिखना नहीं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तब तक याद रख पाओगे तुम लोग? तो नहीं याद रखो छोड़ देना, बेस्ट है। अभी देखो ऑप्शंस चालू भी नहीं किए, ऑप्शंस करने के बाद ये सब बहुत इजी लगेगा, ऑप्शन कर लूंगा तो, क्योंकि ऑप्शन वैसा है।